अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी दोस्त अमीना खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ इंटरटेनमेंट में देखते हैं। एक खूबसूरत प्रोग्राम है और इसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। हमें कॉल करके 6474840018 पर आप हमें कॉल कीजिए और हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई है। इसलिए कि ये प्रोग्राम लाइव जाता है फेसबुक पर भी और चैनल पर भी और यूट्यूब पर भी। तो हम आपके साथ बात करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पर बात करते हैं जिसमें आप भी पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कल 14 अगस्त में हमने एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम किया, आप लोगों ने हमारे साथ शामिल हुए, पार्टिसिपेट किया, कुछ ने नगमे सुनाए, कुछ लोगों ने शेर व शायरी सुनाई। आज 15 अगस्त है तो आज हम तमाम लोगों को, इंडियन लोगों को भी इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद देते हैं। हमारे चैनल के जरिए, आवाज़ एंटरटेनमेंट के जरिए आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और अर्चना हमारे साथ मौजूद है, इनको भी हम मुबारकबाद देते हैं। जी हाँ, थैंक यू सो मच। और मैं भी अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी कि आपको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। खुश रहे, आबाद रहे, जैसे पाकिस्तान वाले खुश हैं, इंडिया वाले भी खुश रहें। बस सब लोग मुस्कुराते रहिए, आपस में प्यार बांटिए और बस, और ऐश से जिए, ऐश से जिए जिंदगी, खुशियों के साथ गुजारिए। तो यकीनन जैसे कि हम हमेशा बात करते थे, बहुत सारे टॉपिक पे बात की कि क्या कहते हैं, लव मैरिज शादी करनी चाहिए या अरेंज मैरिज शादी करनी चाहिए। अभी कोई कहेगा कि आप लोग तो हमेशा मैरिज को लेकर बैठ जाते हैं, डिवोर्स का इशू क्यों होता ज्यादा है। तो यकीन करें, यही सारे टॉपिक हैं जो इर्द गिर्द घूमते हैं, हमारी लाइफ के अंदर आते हैं। जैसे हम बच्चों पे बात करते हैं कि आप बच्चे जहाँ पे बड़े हो जाते हैं, और जब पाकिस्तान में बच्चों को लेके जाते हैं, तो आपको क्या लगता है वहाँ के बच्चों में और हमारे बच्चों में क्या फर्क फील करते हैं? जैसे इंडिया के बच्चा इंडिया जाता है तो, और यहाँ का बॉर्न बच्चा जब इंडिया जाता है तो वो वहाँ के रहने वाले बच्चों में क्या फीलिंग से वो करता है, फील करता है कि उनमें ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि यहाँ के बच्चों में ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। तो आज हम इसी पे बात करना चाहते हैं कि आप बताइए कि ये जो आप इतना बच्चों में यहाँ से पढ़ा लिखाते हैं, अब इतना अच्छी एजुकेशन दिलाते हैं, सब कुछ दिलाते हैं, मगर आप जब अपने बच्चों को अपनी कंट्री में लेके जाते हैं तो कितना डिफरेंट रखते हैं बच्चे वहाँ के और यहाँ के। तो ये क्या फर्क है कि यहाँ के बच्चों में ज्यादा कॉन्फिडेंस है या पाकिस्तान या इंडिया के बच्चों में ज्यादा कॉन्फिडेंस है? तो आज हम इसी में बात करेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ये बात। आप बताइए कि आपकी क्या राय है सिलसिले में कि वहाँ के बच्चों में ज्यादा, यहाँ के बच्चों में ज्यादा कॉन्फिडेंस है या हमारी अपनी कंट्री के बच्चों में ज्यादा कॉन्फिडेंस है? जी, अगर हम आजकल की बात करें तो मुझे लगता है कि दोनों में ही बराबर है, क्योंकि अब इंडिया में भी इतना ज़्यादा बच्चों को आपको, मतलब बच्चों को कहते हैं इतनी नॉलेज मिल रही है उनको, मतलब अब उनकी स्टडीज भी काफ़ी मतलब हायर हो गई है, अलग टाइप में हो गई, टेक्नोलॉजी आ गई है। और जरूरी अब ये नहीं है कि सिर्फ उनको बुक्स के साथ पढ़ाया जाता है, उनको भी मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब बाहर की चीज़ें दिखाई जाती है। तो वहाँ के बच्चे भी अब काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, यहाँ के तो हैं ही, यहाँ के तो ऑब्वियसली यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को इतना ज्यादा मतलब चीजें देखते हैं बच्चे, इतना सारा समझते हैं। पर मुझे लगता है अब अपने मुल्कों में भी बच्चे काफी इंटेलिजेंट और काफी कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। मैं कह, मेरी अपनी राय आपसे बिल्कुल चेंज है, इसलिए कि यहाँ के बच्चों में है ना कॉन्फिडेंस वहाँ के बच्चों की बनिस्बत कम होता है। वहाँ के बच्चे बहुत, यहाँ के बच्चे जब जाते हैं उनमें कॉन्फिडेंट एजुकेशन बहुत होती है, बहुत हाई फाई एजुकेशन होती है, सब कुछ होता है, एवरीथिंग चीज़ होती है। हमारी अपनी कंट्री में भी ये सब चीज़ें बच्चों में पाई जाती है, मगर वहाँ के बच्चे बहुत शार्प माइंड होते हैं, यहाँ के बच्चे बहुत सिंपल अपने अंदर वो बहुत चेंज फील करते हैं। वहाँ के बच्चे जो है ना बीच में बैठते हैं, बहुत ज़्यादा तेज तर्रार होते हैं, और यहाँ का बच्चा जाने वाला तो अपने आप को बिल्कुल बेवकूफी समझता है एक्चुअली, इसलिए कि यहाँ पे तो एक हर बात सच बोली जाती है, सच के ऊपर चल रहा होता है बच्चा, यहाँ का बहुत ऑनेस्ट बच्चा होता है। वहाँ पे तो बच्चे एक नंबर के तेज और चलाक होते हैं, इसलिए कि वो अपने फैमिली में परवरिश पा रहे होते हैं। यहाँ का बच्चा क्या सिर्फ अम्मी पापा को देख के अपने बच्चा बड़ा होता है, तो उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आता जो वहाँ के बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है। मेरी अपनी राय तो यह है, आप लोग हमें अपनी राय बता सकते हैं हमारे साथ शामिल होके कि आप लोगों की क्या राय है। अर्चना की आपने राय सुन ली, पर मेरी ये है कि यहाँ के बच्चे जो है ना बहुत पढ़ाई में बहुत आगे होते हैं, एजुकेशन में, हर चीज में। वहाँ का बच्चा एजुकेशन में तो आगे आगे होता है, मगर बहुत तेज होता है और चलाक बहुत होता है। यहाँ का बच्चा बहुत सिंपल होता है, बहुत सीधा होता है। वहाँ जाके उस बच्चे में वो चीज़ नहीं होती जो यहाँ के बच्चे में होती है, वो बच्चा वहाँ जाके देखता है। वहाँ तो आपको सोचें, आप नानी खाला फुप्पो दादा दादी के पास परवरिश पा रहा होता है, साथ मिलके बैठा होता है, तो उसमें इतनी तेजी और इतना झूठ आता है। और यहाँ का बच्चा तो
झूठ बोलता ही नहीं है, यहाँ का बच्चा तो आपके सामने अगर आपकी आप झूठ बोल रही होंगी तो फौरन बोलेगा नो नो, इस तरह की ये बात तो नहीं है आप झूठ कह रही हैं। आप एज कोई ले लें, अगर यहाँ पे बच्चों की एज आप बता दें कि भाई ये इतने साल का है, अगर उस बच्चे की एज इतनी नहीं है तो वो फौरन बोलेगा नो मेरी तो एज ये नहीं, ये एज है। वो 100% बोलता है कि वो इसलिए कि यहाँ पे बचपन से ही एजुकेशन दी जाती है कि बच्चा सच बोले, और पाकिस्तान का बच्चा झूठ बोलने में मास्टर है, इंडिया का बच्चा मास्टर है। तो जमीना जी आप ये कह रहे हैं कि अगर बच्चे ज्यादा फैमिली में पढ़ रहे हैं तो तेज हो गए और झूठ बोलते हैं। 100% ये तो फर्क है, 100% इसको एक्सेप्ट करें, इसको तस्लीम किया जाता है कि वहां का बच्चा बहुत चालाक होता है। हम यहाँ के बच्चों को अपने साथ लेके जाते हैं अपने कंट्री के अंदर, एकदम चेंज लगते हैं वो बच्चे, इतने सिंपल होते हैं कि लगता ही नहीं कि वहां बच्चा जाके जो है एडजस्ट हो रहा है। चालाकियां तेजियां नहीं होती है यहाँ के बच्चों में बनिस्बत, यहाँ के बच्चों को ज्यादातर आपको पता है कि उनकी तो दोस्तियां भी डिफरेंट होती हैं, उनकी पढ़ाई का स्टाइल डिफरेंट होता है, उन्होंने तो सिर्फ पढ़ना अपने आप काम से काम रखना, ना उनमें इतनी चालाकियां तेजियां नहीं होती। मेरी अपनी राय यही है। अब आप बता सकती हैं कि आप कह रही हैं कि नहीं जी वहाँ का बच्चा भी सेम होता है। देखिए अपने अपना ओपिनियन है, मैं आपके ओपिनियन से भी नहीं कह रही, पहले की बातें ठीक है, पहले क्या होता था हमारे। देखिए हमारे साथ एक कॉलर है, देखते हैं कौन है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। अपना सुना जी आपको, आपका इंडिपेंडेंस डे, हमारा इंडिपेंडेंस डे, हाँ जी मुबारक हो। सेम टू यू जी। हाँ जी बिल्कुल, अभी मैं सुन रहा था कि हाँ जी आपने खुद ही मौजूद रखा और खुद ही आपने इतना अच्छा जवाब दिया है। किसने जवाब दिया? आपने खुद ही उसका जवाब दे दिया। नहीं, वो मैंने अर्चना पे दिया जवाब, मैंने अर्चना पे जवाब दिया जब अर्चना ने मुझे कहा कि नहीं जी मुझे हमें लगता है कि दोनों तरफ के बच्चे, अब तो इंडिया में भी बहुत अच्छी एजुकेशन है, बच्चा बहुत तेज है, तो मैंने उनको बताया कि फर्क क्या है यहाँ के बच्चों में और वहाँ के बच्चों में। पर मुझे लगता है नहीं डिप्लोमेटिक नहीं दिया मैंने, क्योंकि यहाँ के बच्चे भी दिए देखे हैं, इतने अच्छे मतलब शार्प हैं, ऐसे कहने की बात है, सिर्फ साथ झूठ की वजह से चला थोड़ा हो जाता बच्चा। नहीं वहाँ के बच्चे में बहुत फर्क है। चले आप अपनी राय बताएं, आप अपना ओपिनियन बताएं, अर्चना का ओपिनियन आपने सुन लिया, मेरा ओपिनियन सुन लिया, आप अपना ओपिनियन बताएं। मैंने सुनिया जी ने जो जवाब दिया था वही मेरा जवाब था। अच्छा मैं इतना जरूर बताऊंगा आपको जी। मैंने जब छोड़ा था और मेरी उम्र 20 साल की थी जी, मैं जब वापिस आया था तो मेरी उम्र जो थी वो 31 साल की थी। अच्छा मैं बहुत अपना मतलब सच बोलना, ईमानदारी से काम करना, सब कुछ अच्छी तरह से करना, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हसन साहब आपकी आवाज इतनी क्लियर नहीं आ रही, आप दोबारा से फोन करके देखें, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप बोले हेलो। अब आइए वरना पहले बिल्कुल समझ नहीं आता, अब बोले। अच्छा देखिए मैं बताता हूँ जी। मैंने जब इंडिया छोड़ा था तो मेरी उम्र जो थी वो 20 साल की थी। हाँ जी। मैं इंडिया से इंडिया वापस आया तो मेरी 31 थी। हाँ जी। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मतलब हम बहुत ईमानदारी से हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, हम सच बोलते थे, कुछ झूठ लपटती थी, कुछ धोखा नहीं, बेईमानी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन 3 साल में जब वहां रहा तो हिंदुस्तान में मेरे दोस्तों ने जो वहां पर जो सिटीजन थे उन्होंने इतना मुझे ट्रेन कर दिया कि मैंने जो पिछले 31 साल में नहीं सीखा था वो मैंने यानी के 3 साल में सीख लिया। अच्छा तो बात जी तो वो जो मुझे ट्रेनिंग मिली 3 साल की। हाँ। वो ऐसी ट्रेनिंग मिली कि मैं यहाँ पर जब मतलब उसके बाद से मैं दुबई में रहा 5 साल से, यहाँ पर 27 साल हो गए, मतलब ऐसी ट्रेनिंग मिली कि आप यकीन नहीं करेंगी कि आज तक वो बहुत एक बहुत अचीवमेंट मतलब मेरे लिए बहुत मतलब जैसे मैंने कोई PhD डिग्री के लिए 3 साल में जाकर के इंडिया से मतलब बोलता हुआ। अच्छा तो आपको क्या लगता है कि आपको लगता है ना कि यहाँ के बच्चों में कॉन्फिडेंस वहाँ के बच्चों की बनिस्बत कम है? यहाँ के बच्चे बिल्कुल झूठ नहीं बोलते हैं, बहुत अच्छे हाँ बच्चों में ये चीज है, मगर आप यहाँ के बच्चे को वहाँ पे लेके जाएं तो अलग ही फर्क फील करेंगे आप वहाँ के बच्चों को, यहाँ के बच्चों में इंडिया जाके। नहीं खुश होने की बात नहीं हो रही यहाँ पे। मैं जो है कल पेपर साल जमा कर दूँ, क्योंकि कल टाइम नहीं था मेरे पास। बीना जी जो कह रही थी कि वो जो पाकिस्तानी बच्चे हैं 80% 90% उन्होंने कहा कि सेलिब्रेट करते हैं। मेरा मतलब मैंने जो कल बात कही थी कि जो मैं इंडियन बच्चों की बात कर रहा था, मुझे पाकिस्तानी बच्चों की बात नहीं कर रहा था जी। इंडियन बच्चे जितने भी हैं जिनकी मैं यहाँ पर फैमिली को मैं यहाँ जानता हूँ, वो उनको पता ही नहीं कि मतलब 26 जनवरी क्या है, 15 अगस्त क्या है, कोई मतलब ही नहीं है हिंदुस्तान से। वो सब अपने अमेरिकन चैनल देखते हैं, अमेरिकन
वो आपने कोई बात नहीं, आपके पास टाइम नहीं था, मगर मैंने उसका जवाब दे दिया था कि देखें वो हसन साहब की लाइफ में यही लोग आए होंगे और उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है, आप अपना ओपिनियन दे रही हैं बीना जी, आपके साथ वो गुजरा है। खुद का भी कहा था, मतलब मैंने वो बीना जी के पास, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी जो बीना जी ने कहा था, वो अपनी जगह सही थी, क्योंकि वो औसत कनाडा में कैनेडियन बच्चों में, यहाँ के बच्चों में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है, जमीन आसमान का फर्क है, राइट। खुद न्यूयॉर्क में रहता था और वहाँ पर मैं कम से कम 100 फैमिली को जानता हूँ, जो अपने 90% हमारे इंडियन है, 10% वो है पाकिस्तानी है, उनके बच्चों को जानता हूँ, वो बिल्कुल परवाह नहीं करते कि 15 अगस्त क्या है और 14 अगस्त क्या है और 26 जनवरी क्या है, और बहुत सारे तो वो ईद बकरीद को भी ज्यादा नहीं मानते, नमाज पढ़ने चले गए तो अच्छा है, या दिवाली भी उनके बच्चों ने देखा जहाँ दिवाली हो रही है तो वो दिवाली मना ली, वो होली का भी पता लगा कि आज होली है, सब ठीक है भैया, आ जाना मैं खाना खिला दूंगा जी। कल मैंने भी यही बोला था कि हर किसी का सिचुएशन डिफरेंस, मतलब डिफरेंट हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सबका एक जैसा ही होता है, तो उन्होंने वो चीज एक्सपीरियंस की होगी इसलिए उन्होंने ये बोला, और आप ये कर रहे हो तो आपने ये बोला, जगह का भी फर्क होता है। यही तो, वो तो आपका हसन साहब जवाब हमने दे दिया था, आज के टॉपिक में बात कर रहे हो, कल का तो टॉपिक खत्म ही हो गया। हसन साहब ये तो एग्री नहीं है, अब देखते हैं कौन है ना ये डिस एग्री कर रही है, मैं एग्री, बच्चे अभी छोटे हैं, जब बड़े हो जाएंगे मेरे तो है नहीं, इनके बच्चे नहीं है अभी, ये खुद अभी बच्ची है। चले नहीं, वो तो खैर देखें, पर्सनल लाइफ तो हमने, मैंने हमेशा बोला है आपको चैनल के ऊपर बैठ के कि पर्सनल लाइफ तो हम डिस्कस ही नहीं करते हैं, हम एज अ होस्ट हैं जो आपके साथ प्रोग्राम लेकर आते हैं, पर्सनल लाइफ तो हमारी नहीं, हम तो एक जनरल बात कर रहे हैं, एक जनरल टॉपिक पे बात कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ पे तो हम बात ही नहीं करते। तो मैं ये कह रही हूँ कि मुझे तो यही लगता है कि यहाँ का बच्चा जब जाता है ना तो उसमें कॉन्फिडेंस इतना नहीं होता जितना हमारी अपनी कंट्री के बच्चों में, वो डिफरेंस इसलिए फील करते हैं हम लोग कि वहाँ बच्चा जो है ना बहुत सारे लोगों में परवरिश पाता है, बहुत सारे लोगों में रह के बड़ा होता है, और यहाँ बच्चा अकेला पढ़ रहा होता है, अपने स्कूल, अपने दोस्त, अपना घर, सिर्फ मम्मी पापा को देखता है वो, तो फिर उसमें इतनी चलाकी आई थी नहीं है, समझ ले, बहुत चेंज होता है वहाँ का बच्चा। वैसे वैसे मैं यही कहूंगा कि सब लोग अपने बच्चे, जिनके भी बच्चे जो 15-16 साल के हैं और बहुत चीजें हैं, शरीफ हैं, अगर उन्होंने कुछ उनको फेस करना है तो वो जरूर इंडिया पाकिस्तान ले जाएं, और यकीनन थोड़े टाइम के लिए लेके जाना चाहिए, अपनी कंट्री में ले जाना चाहिए, अपने कल्चर को दिखाना चाहिए, अपने मजहब को बताना चाहिए, जरूर लेकर जाना चाहिए। देखें मैं मानती हूँ कि यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ऑनेस्ट होते हैं, ये बात एक बात को मैं एग्री करती हूँ कि वाकई यहाँ का बच्चा बहुत सच बोलता है, पाकिस्तान में तो बच्चे इतना झूठ बोलते हैं कि आप यकीन ही नहीं करेंगे, इसलिए कि वो पेरेंट्स को देख के बड़े होते हैं, बाप बोल रहा होता है, सो रहा है, बोल देगा कि है ना अगर कोई दोस्त आया उसका बात करने का दिल नहीं है, कह दो नहीं है, तो बच्चा सीख रहा होता है, जाके बोल देता है कि नहीं है। पर हसन साहब मैं भी अपने ना एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मैंने अभी रिसेंटली कहीं वर्क किया था, मतलब लाइक मैंने किया वहाँ पे 6-7 मंथ्स वर्क, तो वहाँ पे मेरे साथ सारे यंग जनरेशन ही थी, 15 से लेके 17, 18, 19 तक, पर आप मानोगे नहीं, मतलब वो इतने तेज थे और वो यही के हैं, मतलब ये नहीं कि इंडिया से आए हैं कुछ, झूठ बोलते थे आपसे, झूठ मतलब मैं झूठ की बात नहीं करी, ये ना इन्होंने देखो इन्होंने वो वाला क्वेश्चन किया था कि बच्चे यहाँ के मतलब ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है वहाँ के, यहाँ के बच्चे, वहाँ के बच्चे जो है, हाँ जी, पेरेंट्स से भी झूठ बोलते हैं, उसका रीजन क्या होता है, तो देखिए अगर हम अपने घर में अपने बच्चों के सामने झूठ बोल रहे हैं जी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा झूठ ना बोले, तो कैसे हो सकता है ये बताइए। नहीं नहीं झूठ एक अलग वो है, चलो झूठ की तो बात ही नहीं है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस की बात आ रही थी, बट मैं ये बता रही हूँ कि मैंने उन बच्चों के साथ काम किया हुआ है, बट उनका कॉन्फिडेंस और उनका हर तरीका, मतलब एक काम करने का तरीका, एक बात करने का तरीका, मतलब हर चीज में मैं तो मतलब हैरान थी कि बताओ यहाँ पे बच्चे कितनी जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, कितना कॉन्फिडेंस है इनमें, हम ये बात कर नहीं हसन साहब, हम बात ये कर रहे हैं कि यहाँ के बच्चों की, पाकिस्तान की बात निस्बत यहाँ के बच्चों में कॉन्फिडेंस कम फील होता है जब हम अपनी कंट्री में लेके जाते हैं, ये हम बात कर रहे हैं, और अर्चना उस बात को समझ नहीं पा रही जाएंगे ना, जिन बच्चों से मैं मिली हूँ
तो मेरे को तो लगता है कि जितना उनको कॉन्फिडेंस यहाँ है वहीं वहां पे भी उतना ही दिखाएंगे. मतलब मुझे तो लगता है कि दोनों ही कम नहीं है, सब मतलब बराबर ही हैं बच्चे, मतलब यहाँ के भी और वहाँ के भी. नहीं नहीं मुझे तो 100% मैं तो वहाँ के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं और वो काफी मतलब पूरी दुनिया की खबर रखते हैं. वहाँ के बच्चे टोटल चेंज है, हमारी अपनी कंट्री के बच्चा टोटल चेंज है. अगर आप यहाँ के बच्चों को अपनी कंट्री में लेके जाते हैं तो बच्चे को अलग से बिल्कुल चेंज फील होता है 100%. तो ये क्या कमी रह जाती है, तो इसी पे हमारा आज का टॉपिक भी बात कर रहे हैं. आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. देखें दूसरे लोग कॉल करते हैं, उनकी क्या राय होती है, सबका अपना अपना ओपिनियन है. तो देखते हैं दूसरे लोगों की क्या राय है. और चलें फिर दोबारा से हमें कॉल कीजिएगा, सुनते रहे हमारा प्रोग्राम, देखते हैं दूसरे कॉलर का क्या ओपिनियन है. तो यकीनन आप हमारे साथ शामिल रहिएगा इंशाल्लाह. ओके अल्लाह हाफिज. जी हाँ नाज़रीन, आपने देखा कि हसन साहब ने भी यही बात की है. अब आप बताइए आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है. तो आप अपना ओपिनियन हमारे से शेयर कर सकते हैं. आप हमें कॉल कर सकते हैं 6474840018 पे, आप हमें कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप क्या फ़र्क फील करते हैं वहाँ के बच्चों के और यहाँ के बच्चों में क्या डिफरेंट होता है. तो आप हमें कॉल कीजिए और हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुई. चलें देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और देखते रहिए अपना चैनल आवाज़ इंटरटेनमेंट. एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं फिर वापस आते हैं. कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा. Four years ago, I was involved in a motor vehicle collision. I remember waking up at the hospital. I had never gone through something like this before. The car was hit from the side and rolled over 4 times. I was sitting in the back seat. When something like that happens, you don't know where to begin. The next steps. Ramana Law Firm helped me from day one. My family and I had gone to so many lawyers, and every time it felt like we were just another client. From the minute we sat down with the lawyers at Romano, we knew that they were a firm that cared about what was important to me. What Romano Law Firm did for me is allow me to live my life to the fullest, on my own terms. I don't think there was any other law firm that could have done for me what Romano did. इम्पॉर्टेंट इज टू मैनेज योर इनकम आफ्टर योर रिटायरमेंट. आपने सोचा है कि रिटायरमेंट के बाद पैसे कहाँ से आएंगे और आपके खर्चे कैसे पूरे होंगे. माय नेम इज अदनान अलवी, आई एम अ रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर. आई कैन हेल्प यू टू सेट अप अ टैक्स फ्री रिटायरमेंट इनकम प्लान. प्लीज कॉन्टेक्ट मी 416-301-0249. Children the best education they deserve with dedicated, respectful, and qualified teachers teaching Ontario curriculum. JIC School, junior kindergarten to grade 10, with Islamic lessons, Quran Tajweed recitation, memorization of surahs, daily supplication of dua, character building with Islamic curriculum. For more information, call now. JIC School, 905-361-9542. That's 905-361-9542. 2380 Tedlow Street, Mississauga. www.jicschool.com. Brampton में Boulevard और Main के intersection पे बेस्ट हलाल मीट शॉप, जहां आपको मिलेगा बेस्ट हलाल मीट, ग्रोसरी और आपकी जरूरत की तमाम अशिया. बेस्ट हलाल मीट शॉप में पाइए मैरिनेटेड बारबेक्यू चिकन, मलाई बोटी, चपली कबाब,
और तंदूरी चिकन। बेस्ट हलाल मीट शॉप, 20 गिलिंगहैम ड्राइव, यूनिट 603, ब्रैम्पटन। टेलीफोन नंबर 416-939-5734। मेविस और बटन। नाजरीन, हम गए छोटे से ब्रेक की तरफ, वापस आए। यकीनन आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज इंटरटेनमेंट पे देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये लाइव ट्रांसमिशन जाती है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। जैसे कि हमारा आज हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि यहाँ के बच्चों में ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है या हमारी अपनी कंट्री के बच्चों में ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, तो इस पे हम आज बात कर रहे हैं। तो देखिए, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, पूछते हैं इनसे उनकी क्या राय है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान इंडिया दोनों को जश्न आज़ादी मुबारक हो। खैर मुबारक आपको भी। कैसा लग रहा है आपको आज़ाद होकर? आजाद होके किसको नहीं अच्छा लगता, सबको बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल बेशक, इससे ज्यादा कोई मजेदार चीज हो ही नहीं सकती। यकीनन। आपका टॉपिक बड़ा अच्छा है। मेरा ना 2 साल पहले इत्तेफाक हुआ पाकिस्तान जाने का जी। तो मैंने एक चीज वहाँ के बच्चों के अंदर बहुत नोट करी जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना वहाँ के बच्चों का हम लोगों से, हमारे बच्चों से बहुत ज्यादा है। यही मैंने भी बोला था, यही मेरी भी राय थी। नहीं, तुम्हारी राय बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहाँ के बच्चे सच्चे झूठे हैं, हमारे बच्चे सच बोलते हैं, वो मुझे नहीं कॉन्फिडेंस समझ आती है। हाँ, वहाँ के बच्चों में तो इसलिए मैंने बताया ना कि इसी वजह से हमारे बच्चे बहुत ज्यादा यहाँ से जाने के बाद बहुत चेंज लगते हैं, वो खुद उनके बच्चों में एडजस्ट नहीं हो पाते, बहुत टाइम लगता है उनको एडजस्ट होने के लिए, इसलिए कि वहाँ का बच्चा तो एक एक सेकंड के अंदर इतना चलाकियां और इतनी तेजियां दिखा रहा होता है कि यहाँ का बच्चा तो बेचारा समझ ही नहीं पाता इन सब तेजियों को। एक डरपोंक भी लगा हमें, हमारा बच्चा जो है डरपोंक होता है, वहाँ के बच्चा डरपोंक लगता है मुझे। हमारे हम अपने बच्चों का ऐसे माहौल, वैसे भी हम लोग पूरे क्योर होते हैं यार, तो मोहल्ले में अकेले में चले जाना कहीं कैंडी सैंडी लेने, वहाँ के बच्चे पैसे लिए कैंडी लेने चले गए, तुम भी आ जाओ, 2 गलियां आगे चले गए। पर हम लोग यहाँ पे बड़े देखते हो, नहीं नहीं एटीट्यूड नहीं जाना, अकेले मत जाना। वहाँ पे 2 चीजें बहुत फील हुई, एक तो हमारा बच्चा अपना डरपोंक लग रहा था, और दूसरा मुझे अपना बच्चा जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस उसका कम लग रहा था, क्योंकि यहाँ का जो बच्चा होता है उसका प्रेशर कमरा साफ करना है, उसको अपनी लॉन्ड्री भी करनी है, वो वाला प्रेशर वहाँ के बच्चों में नहीं है। वहाँ का बच्चा तो इतना लापरवाह होता है कि आपने उसने चाय कॉफी पी, वही डाइनिंग टेबल पे कप रखा तो चला गया, अब वो मासी आए उठाए वहाँ पे, तो वो उठाए तो उठाए, या घर में कोई मेंबर है, उसका बहन है कोई है, या उसकी अम्मी है, जो भी है वो करे। आजाद लगता है मुझे, आजाद लगता है कम्पेयर हमारा बच्चे के। बिल्कुल सही कहा। तो बस मुझे ये 2 चीजें बड़ी फील हुई, और मैं अपने बच्चे को जब वहाँ से आई तो मैंने थोड़ी सी उसकी तरबियत भी करी। आप चाहे कितनी भी तरबियत कर लें अपने बच्चे के, यहाँ पे आप कितना भी कर लें, मगर वो चीज पैदा ही नहीं हो सकती है। मैंने देखा है यहाँ का बच्चा ऑनेस्ट होगा, बहुत अच्छा होगा, एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, बेहतरीन एजुकेशन होगी, पर वो चीज आती ही नहीं है, वो फर्क है ही है। ये तो आप एक्सेप्ट करेंगी इस चीज को कि वाकई में हमारे, और मैं आपकी बात से एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन दोनों बच्चे सांझे, यहाँ का बच्चा वहाँ का बच्चा भी। हाँ तो क्या यही, इसीलिए तो नहीं, अपना एक राय देना, अपना एक अपना मैसेज दे लोगों को, लोगों को वो लगे थोड़ा सा, पिकअप करें आपके मैसेज को, कि लोगों को चाहिए अपने बच्चों को जल्दी जल्दी लेके जाएं, उस माहौल से भी उसको रखें ले जाकर, ताकि बच्चे में थोड़ी सी चलाकी और थोड़ी सी तेजी आए। तेजी आए, और यहाँ पे ना अगर आपके खाला मामू चाचा फुप्पो नहीं है तो ऐसे आर्टिफिशियल जरूर बना ले आस पड़ोस वालों को। हाँ, ताकि बच्चों के, बच्चों में वो रिश्ते हैं कहलाने का थोड़ा सा वो हो, कि आज ये हमारे मामू हैं, ये हमारी खाला हैं, तो उसको समझने का, रिश्ते समझने की सलाहियत भी होनी चाहिए। और जैसे मैं आज से ऐलान करती हूँ कि मेरे बच्चों की फुप्पो जो है वो समीरा हो गई है। ठीक है, अब वही सिखाएंगे, अब वही सिखाएंगे। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, पप्पो का हक अदा करेंगे। रिश्तों को बहुत इम्पोर्टेंस है, मेरी तो सारी जो आपकी जितने भी लोग सुन रहे हैं माशाल्लाह काफी व्यूअर्स हैं आपके प्रोग्राम के, मैं उन सबको ये बोलूंगी जो भी आपके गैर अहम रिश्ते आपको लगते हैं आप उनको अहम इस तरह ही बना सकते हैं, तो उसको रिश्ते क्रिएट करें, कि अपनी किसी फ्रेंड को खाला बना ले, किसी बहुत अच्छे फ्रेंड के हस्बैंड। वैसे आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है, वाकई में बहुत अच्छा मैसेज दिया है। यहाँ पे लोगों को चाहिए, जो लोग एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करते हैं, ग्रुपों के साथ मिलते हैं, उनके बच्चे थोड़े से फिर भी थोड़ा चेंज लगते होंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, और मैंने इसलिए ग्रुप ज्वाइन किए ताकि मामू खाला बना लूं आंटी की बाद में रियली हो जाएंगे वो कुछ टाइम बाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी हाँ नाजरीन, देखें आपका भी क्या ओपिनियन, देखें अलग अलग सबके अपने ओपिनियन है, अपनी अपनी सबकी राय है, आपकी क्या राय है, आप भी हमें कॉल करके हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो यकीन हमें भी यही लगता है कि कुछ तो कमी है यहाँ पे, सब कुछ होने के बाद बहुत सारी कमी है हम अपने बच्चों को जो नहीं दे पा रहे। हालांकि हम अपने आप सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को बहुत कुछ दे रहे हैं यहाँ पे रहकर, सब कुछ तो दे रहे हैं, अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, अच्छा माहौल दे रहे हैं, हर चीज अच्छी अच्छी दे रहे हैं, हम सिर्फ ये चीजें देखते हैं। मगर आपने कभी सोचा कि आप अपने बच्चों को बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं दे पा रहे जो आपको देनी चाहिए, तो आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। मैं कॉल करके बताइए आप लोगों की क्या राय। मेरी तो अपनी यही राय है जो मैंने आप लोगों को मैसेज दिया है, अर्चना की अपनी राय है, आप लोगों की अपनी राय है, सबका अपना अपना ओपिनियन है, हर कोई अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर कर सकता है। देखिए हमारे साथ कॉलर मौजूद है, देखते हैं कौन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, कौन बोल रहा है? मैं अमेरिका से बात कर रही हूँ, खालदा। अच्छा खालदा, एक सेकंड के लिए होल्ड करिए, आपको ही लूंगी, इनको होल्ड करा दूँ एक नंबर को। हेलो, हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है समीना? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अभी है ना एक कॉलर आपसे पहले आई, खालदा अमेरिका से, तो है ना आप खालदा का मैसेज सुने फिर अपना मैसेज देने फौरन आइएगा, जल्दी जल्दी आइएगा ताकि पता चले। हेलो जी, जी खालदा जी, समीना जी, आप क्या हाल है आप लोग के? आपका प्रोग्राम अभी देख रही हूँ काफी, आज तो सही टाइम पे लगा लिया मैंने। अच्छा अच्छा, मजा आ रहा है। तो चले आप बताइए आपकी क्या राय है, आप अपना ओपिनियन दीजिए। अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी क्योंकि सब लोग अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, तो यकीनन यकीनन हम तो सुनने के लिए बैठे हैं आपका एक्सपीरियंस ही। मुझे आपका आपकी बात से काफी ज्यादा मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मेरे दो बच्चे, एक बेटी है माशाल्लाह, एक बेटे हैं जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बेटे बच्चे जो है दोनों को जब भी पाकिस्तान गए बीच में, जितने समय में लेके गए उनको 22 साल में, वो बहुत ज्यादा एक तो सीधे हैं और बहुत इनोसेंट लगते हैं मेरे। इनोसेंट तो बिल्कुल, मैं 100% इस चीज को तो तस्लीम करती हूँ, बहुत इनोसेंट होते हैं बच्चे यहाँ के। मैं सिर्फ डिफरेंस बताऊंगी थोड़े थोड़े ताकि काफी लोगों को अंदाजा हो कि बाकी क्या होता है। जी जी, यहाँ के बच्चे ऑनेस्ट बहुत है, इसलिए कि हम माँ बाप बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह यहाँ के बच्चे, मतलब डिफरेंस मुझे लगा, हो सकता है मैं गलत हूँ, तो वहाँ के बच्चे और यहाँ के बच्चे माशाल्लाह, क्योंकि हम बहुत नमाजी परहेजगार हैं, हम अपने बच्चों को यहाँ प्रॉपर बहुत ज्यादा दीन की समझ बताते हैं, बच्चों को माशाल्लाह अपने फराइज का बहुत ज्यादा पता है, तो नमाज के पाबंद बहुत होते हैं हमारे बच्चे। वहाँ पाकिस्तान में जाएंगी तो बच्चों को ना नमाज का पता है ना रोजों का पता है, अनलेस से उनका गदियाल या ननाल बहुत ज्यादा रिलीजियस ना हो या उनको टाइम की पाबंदी का अंदाजा नहीं हो। तो मैंने अपने गदियाल, मतलब मैंने अपने ससुराल में देखा, मेरे देवर देवरानी के बच्चे हैं दोनों, उनको मैंने बिल्कुल मतलब ऐसा देखा कि उनको कोई कोई अवेयरनेस ही नहीं है कि उनको नमाज पढ़नी है या उनकी नमाज पजा हो रही है या उनकी नमाज का उनके ऊपर कितनी बड़ी लाइबिलिटी है, ऐसा कोई भी मैंने पास कॉन्सेप्ट नहीं देखा। और माशाल्लाह दूसरा ये कि मेरे बच्चे, मेरी बेटी माशाल्लाह पूरा हिजाब करती है, तो वहाँ पे बहुत ऑकवर्ड फीलिंग थी उन लोगों को कि अमेरिका से तुम लोग आए हो और तुम, तुम्हारी बच्ची और तुम हिजाब करते हो, तो इट फील्स रियली ऑकवर्ड फॉर देम, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ज्यादा आउट गोइंग है, बहुत मॉडर्न है, और पर्दा ना करने को वो समझते हैं कि वो वेरी एजुकेटेड है और उनको बहुत ज्यादा दुनिया का पता है, हमें कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि हम अपने आप को कवर करते हैं। उनको उन्होंने इस्लाम को एजुकेशन से और मॉडर्निज्म से और इन तमाम चीजों से खिचड़ी बना दी है, जबकि उनको अंदाजा नहीं है कि आप बहुत पढ़े लिखे हाईली एजुकेटेड होके भी अगर पर्दा कर रहे हैं तो आप जज नहीं कर सकते कि कौन कितना स्मार्ट है और कितना स्मार्ट नहीं है जी, क्योंकि आपको अल्लाह का हुक्म भी मानना है और दुनिया का काम भी करना है जी। तो मुझे ये दोनों बहुत ज्यादा लगा फर्क है पाकिस्तान में, ये बहुत मसला है। लेकिन एक चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, हाँ जी, यहाँ के बच्चे सीधे बहुत होते हैं, लेकिन जब मैं अपने बच्चों को हमेशा पाकिस्तान लेके जाती हूँ, आई डोंट नो, मेरी सास, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, मेरी सास हमेशा मेरे बच्चों को बहुत ज्यादा, मेरे सब गदियाल वाले, मेरे दोनों बच्चों को माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको हमेशा ऐसे रखते, सबके बच्चों के साथ बे इंतहा प्यार करते थे, करते हैं अभी भी जब भी हम जाते हैं, बे इंतहा पसंद करते हैं और हमेशा ये कहते हैं कि खालदा सारा क्रेडिट तुमको जाता है, क्योंकि माँ अपने बच्चे की तरबियत करती है। मेरे हस्बैंड को बहुत तारीफ करते हैं कि हमारे भाई को क्रेडिट जाता है, लेकिन तुम दोनों ने इन दोनों की ऐसी परवरिश की है कि माशाल्लाह इनको तमीज है, इनको सेंस है लोगों में बैठने का, इनकी जजमेंट बहुत अच्छी है। यहाँ के बच्चे, मुझे बिल्कुल नहीं लगा तुम्हारे बच्चे बीच में बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करते हैं बड़ों को, इनको इतना सेंस अवेयरनेस इतनी ज्यादा है यहाँ के बच्चों को, मैंने बच्चों को देखा है कि लोग बीच में बिठा के उनको, उनके साथ
बुराइयां कर रहे होते हैं लोग, वही तो मैं बता रही हूँ कि इसीलिए तो वो बच्चा बहुत चलाक होता है, वो चलाक कहेंगे उसको, बच्चों को तेज होता है, जोर हो जाते हैं वहाँ के जी, उनमें बड़ों की रिस्पेक्ट और खत्म की रिस्पेक्ट खत्म नहीं रह पाती, तो मुझे किससे झूठ बोलना है किससे सच बोलना है, मुझे ये बहुत बड़ा मतलब एक अलमिया लगा वहाँ का, कि बच्चों को हम ये अंदाजा नहीं कर पाते, इवन कि मैं वहाँ अपने दतियाल लाल साहब के बच्चों को देखती हूँ तो मैं ये अंदाजा नहीं लगा सकती कि मेरा भांजा भतीजा या दतियाल साहब का कोई बच्चा मुझसे झूठ बोल रहा है या मुझे जेन्युइनली कोई ओपिनियन दे रहा है। मैं अपने बच्चों के बारे में कह सकती हूँ कि मेरे बच्चे वहाँ जाके किसी को कुछ कहते हैं तो जेन्युइनली कोई चीज कहते हैं और दिल से कहते हैं कि नहीं फुप्पो ऐसा कर लें, अच्छा फुप्पो ये कर लेते हैं, अच्छा नहीं फुप्पो हम ये नहीं खाएंगे, ये वो शॉपिंग के लिए लेके जाते हैं मेरी बेटी को तो वो कहती है नहीं फुप्पो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल, मतलब ब्लंटली कह देती है मेरी बेटी, जी, जी, तो मैं कहती हूँ नहीं बेटा ऐसे नहीं कहते, फुप्पो आपसे बहुत प्यार से कह रही है आप प्लीज उनकी मर्जी कर लो। तो यहाँ के बच्चे इतने सिंपल होते हैं, सिंपल नहीं होता यकीन है, यहाँ के बच्चे बहुत सिंपल और सादा, नहीं नहीं मम्मी मुझे नहीं अच्छा लग रहा ना तो फुप्पो अच्छा मैं ये बात है, तो बच्चे वहाँ के इतने ज्यादा सीखे की मेरी हमने उनको सच और झूठ इतना ज्यादा बताया माशाल्लाह। हाँ जी बेटा कुछ भी हो कुछ हो यहाँ पे तो आपको पता है खालदा, यहाँ पे तो स्कूल में ही बच्चा सीख कर आता है कि सच ही बोलना है झूठ नहीं बोलना यहाँ का बच्चा, तो पर हमारी अपनी कंट्रियों में तो पेरेंट्स ही बैठ के बीच में झूठ बोल रहे होते हैं ना असल में, करना ही नहीं आता जी। पर ये भी तो देखिए सच के टाइम पे सच बोलना, झूठ के टाइम पे झूठ बोलना, ये भी तो एक कॉन्फिडेंस है, बहुत माशाल्लाह जी कॉन्फिडेंट है मेरे बच्चे जी, नहीं झूठ तो वो बोलते ही नहीं ना यहाँ के बच्चे, मैं यही तो कह रही हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि उनपे कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंट लेवल इतना खूबसूरत मुझे लगता है बच्चों का, ये देखिए मगर वहाँ के बच्चों में, मगर आपको ये तो लगता ही है ना कि यहाँ के बच्चों में जितना कॉन्फिडेंस है मगर वहाँ के बच्चों के हिसाब से तो आपको चेंज ही लगते होंगे ना अपने बच्चे, कम लगता है हाँ बहुत कम लगता है, वहाँ के बच्चों में यही फर्क है, हमारे बच्चे डाउन टू अर्थ होते हैं, हमेशा बैक ऑफ हो जाते हैं, पाकिस्तान का बच्चा अगर मेरे बच्चों के साथ जिद बहस कर रहा होगा तो कभी भी वो बैक ऑफ नहीं होगा, और सबसे चीज है कि मेरे बच्चों में अल्हम्दुलिल्लाह, और बच्चों की भी मैं बात जनरल बात कर रही हूँ मतलब, लेकिन अपने बच्चों के जाहिर इंसान कहेगा मैं माँ हूँ, मैंने एक और चीज देखी कि हमारे बच्चे डिसिप्लिन बहुत होते हैं, पाकिस्तान जाके आप यकीन कीजिए वो लोग मेरी नंदे कहती है कि हमारा हमारे शेफ लगे हैं किचन में, वो कहती है हर वक्त किचन खुला है बेटा, तुम लोग अमेरिका से आते हो तुम्हारा पाकिस्तान, आपका बच्चा जो ना अमेरिका से जाता होगा तो प्लेट उठा के जरूर सिंक में जाके रखता होगा, बच्चे किचन में यकीन करें जाते नहीं है, कोई चीज मांगते नहीं है, मेरे दतियाल साहब मेरी मेरी बहन बच्चों को पकड़ पकड़ के दिवाले ना खिला रहे हो, बेटा खाओ प्लीज बेटा खाओ, बच्चे शक्ल देख रहे होते हैं कि अम्मी परमिशन देंगी तो हम खाएंगे क्योंकि हमने उनको यही चीज सिखाई है, तो यहाँ के बच्चे वहाँ के बच्चे यहाँ आते हैं या पाकिस्तान में मैंने बच्चों को देखा है आधी आधी रात को उठ के किचन में जा रहे हैं तड़पड़ कर रहे हैं, उनको शोर शराबी किसी करने में कि हमारी पुप्पियाँ सो रही हैं हमारी दादी जान सो रही हैं, मतलब थोड़ा रिस्पेक्ट लेवल भी थोड़ा उनका नीचे है मैंने देखा, आई डोंट नो मे बी ऐसा नहीं हो लेकिन जो मैंने रियलाइज किया कि थोड़ा सा बहुत ज्यादा आउट गोइंग है, अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट। चले खालदा एक कॉलर और है, एक कॉलर और है, उनकी भी राय लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है इंशाल्लाह, आप बाद में कॉल कर लीजिएगा दोबारा से। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, जी शमीना अस्सलाम वालेकुम, जी कॉलर की कॉल फिनिश हुई नहीं, चले आप बात करें, मैंने उनको बोला कि उनका मैसेज मिल गया बहुत सारा, नमस्ते अर्चना आप कैसी हैं, नमस्ते आप बताइए, मैं तो बढ़िया हूँ बस अल्लाह का शुक्र है, आप दोनों खुश हैं, लेकिन मैं मुबारकबाद इंडिपेंडेंस डे की इसी नहीं दूंगी, जो हालात कश्मीर में चल रहे हैं दिल थोड़ा सा अफसुर्दा भी है, मैंने कल इसीलिए समीना को भी कॉल नहीं किया था, अच्छा। और आपके प्लेटफॉर्म से मैं उन गैर मुस्लिम लोगों का शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने आज इसके लिए आवाज उठाई है, बहुत शुक्रिया, इंसानियत का दर्द मिला है, मुस्लिम तो चले हैं अपने हिसाब से खड़े लेकिन जो गैर मुस्लिम खड़े हुए मैं उनको आपके प्लेटफॉर्म से सैल्यूट करती हूँ कि उन्होंने इंसानियत का साथ दिया और उनका बहुत शुक्रिया। ऑफ कोर्स 100% आपके टॉपिक पर तो मैं कहना चाहूंगी मैं अर्चना के साथ हूँ, मैं अर्चना के साथ इसलिए हूँ कि झूठ बोलना इज नॉट कॉन्फिडेंस, चालाकी करना इज नॉट कॉन्फिडेंस, यहाँ के बच्चों में कॉन्फिडेंस है कि वो पाकिस्तान भी जाए इंडिया भी जाए तो आपने देखा होगा कि वहाँ के बच्चे जैसे कि अभी पहले आपकी कॉलर से बात हो रही थी कि वो कुछ चीजें एडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं, तो एडॉप्ट करने वाले में कॉन्फिडेंस नहीं होता तभी वो दूसरे से कभी मुतासर करने की कोशिश करता है, कभी कॉम्प्लेक्स में चला जाता है, कभी उसमें हो जाता है, तो आई एम नॉट एग्री कि वहाँ के बच्चों में, हाँ झूठ का अगर आप कहें तो मैं ये भी नहीं कहूंगी कि वो कोई गलत मुआशरा होता है, सिर्फ शायद उनकी जरूरत होती है
क्योंकि वो माशरे में चलने के लिए उनको बहुत सारे झूठ का सहारा या कुछ मतलब इस तरह की प्लानिंग्स करनी पड़ती, वो वहाँ का हिस्सा बन चुका है। अल्लाह करे कि वहाँ भी थोड़ा चेंज नजर आए, लेकिन उसकी वजह ये होती है। बाकी मैं कॉन्फिडेंस का यहाँ कहूँगी कि यहाँ पर है। फिर जो मैं दोबारा दूसरी बात भी अर्चना से एग्री करूंगी कि झूठ बोलना, चलाकी, ये बच्चे कनाडा में भी जिनके घर का माहौल है, जिनके पेरेंट्स है ना, माशाल्लाह वो टॉप के चालाक बच्चे हैं, किसानों को हाथ लगाने का दिल चाहता है। यदि पहले शायद मैंने इतना देखा नहीं था या नोट नहीं किया था, लेकिन कुछ अर्से से जब मैं देख रही हूँ कि हाँ यहाँ कनाडा में भी बस सरप्राइज हुई थी कि माँ बाप ने अपने बच्चों को ये सिखाया है कि जब बेल बजती है तो डोर खोल के बच्चे कहेंगे पता नहीं आंटी मम्मा कहाँ गई है, बड़े बड़े बच्चे 20 साल के 25 साल के, पता नहीं अबे तो क्या मतलब नहीं पता, कुछ नाम पता चल रहा था झूठ बोल रहे हैं। ये ठीक है, मैं कहूंगी कि यहाँ के बच्चों की बात कर रही हैं आप, यहाँ के बच्चों की बात कर रही हैं। जमीना में यहाँ के बच्चों की बात कर रही हूँ, मैं आपको यही कह रही हूँ कि बैक होम के हिसाब में आप ये कह सकते हैं कि अक्सरियत है यहाँ कम है, थोड़े बच्चे क्योंकि वो घर से ही सीख पाते हैं, बाहर उनको इतना मिलता नहीं है। लेकिन हाँ चलाकी और झूठ आप सिर्फ जोड़ नहीं सकते कि नाना नानी दादा दादी, बच्चे बहुत सारी पॉजिटिव चीज भी सीखते हैं, आदाब कहना सीखते हैं, तमीज से बैठना सीखते हैं, नानी की रोक टोक की आदत होती है, दादी के झिड़कने की। मगर आपको नहीं फील होता कि यहाँ के बच्चे और वहाँ के बच्चे कितने फर्क लगता है, आपको नहीं लगता कि फर्क फील नहीं करते आप? कॉन्फिडेंस मैं कहूंगी यहाँ का बच्चा कॉन्फिडेंट है। नहीं मगर मैं नहीं कहूंगी, मुझे तो वहाँ के बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा बड़ा लगता है और यहाँ के बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल मुझे कम लगता है। यहाँ से हम जो बच्चे लेके जाते हैं, जो यहाँ पे एजुकेशन हासिल करते हैं और जब वहाँ बच्चा जाता है तो एकदम चेंज, एकदम जिस तरह एक कॉलर ने हमसे बात की कि यहाँ जब मैं अपने बच्चे को लेके गई तो वो बिल्कुल ही लग रहा था कि कॉन्फिडेंस नहीं है, बहुत बहुत सीधा सिंपल लग रहा था, चलाकी नहीं है। यहाँ के बच्चों में वो चलाकी नहीं आती है, यहाँ का बच्चा शाही टाइप का फील करता है, वहाँ का बच्चा बिल्कुल चेंज होता है, टोटल चेंज, डिफरेंट लगता है। मैं ये चीज ऐड करना चाह रही हूँ, मैं यही आपको बता रही हूँ, कुछ दिन पहले मैं पढ़ रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा ये पढ़ के कि हम लोग कहते हैं कि फलाना बहुत समझदार चालाक है। देखिए मक्कारी में और समझदारी में फर्क होता है, वही जो जो बंदा समझदार है दे आर स्मार्ट, आप चालाक मकार को स्मार्ट नहीं है, वो इतना समझदार है वो यूं अपने साथ को चीट करती है, ये मकारी है, ये समझदारी नहीं है। इसी तरह अगर आप किसी भी रिश्ते में आप कहें तो इसी तरह मैं आपको कह रही हूँ कॉन्फिडेंस में और चालाकी मकारी में फर्क है। वही चीज तो बच्चा नहीं एक्सेप्ट कर पाता ना, यही चीज तो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वो वहाँ पे फिर बच्चे में और हमारे वहाँ के बच्चे में बहुत फर्क फील होता है, महसूस होता है, बच्चा भी करता है, बच्चा वहाँ एडजस्ट ही नहीं हो पाता है। इसी वजह से रीजन यही है जो यहाँ पे लोग कंप्लेन करते हैं पेरेंट्स कि हमारा बच्चा हम जाना ही नहीं चाहता यहाँ से, जब हम लेके जाते हैं अपनी कंट्री में बच्चा वहाँ एडजस्ट नहीं होता। इसलिए एडजस्ट नहीं होता कि वहाँ का माहौल ही टोटल चेंज है, वहाँ के बच्चों का माहौल ही चेंज है, इसलिए आपका बच्चा बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रहा होता है, चेंज नजर आ रहा होता है। वहां का बच्चा इतना चलाक होता है, जैसे अभी एक कॉलर ने अमेरिका से कॉल की कि मेरी बेटी इतनी सच्ची हो और इतनी ऑनेस्ट है कि उसकी फुप्पो कोई कपड़ा दिला रही है, एक मिसाल दी उन्होंने, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो वो यहाँ का बच्चा कहेगा नहीं मुझे पसंद नहीं है, नहीं मैं नहीं ले रहा। वहां का बच्चा इतना चलाक होता है, देखता है अरे फुप्पो इतना प्यार जा रही है, उसको पसंद भी नहीं होगा, वो कहेगा ओके ठीक है। तो वही चेंज है, फर्क है। अगर देखे आप कह रही है इनोसेंट, उसकी वालदा कह रही है इनोसेंट, अगर आप पाकिस्तान के हिसाब से देखेंगे ना तो वो कहेंगे हमारे बच्चे मुरब्बत में चुप हो जाते हैं, कनाडा का बच्चा मुंह फटे। मेरे कहने का मकसद ये है कि जो बात जिस तरह मोड़ना चाहे वो तो अपने लफ्ज जिस तरह मोड़ दे, लेकिन कॉन्फिडेंस को आप इसके साथ ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पर आप ये देखिए, मैं अपनी आपको अपनी मेरी अर्चना की मिसाल देती हूँ, बैक होम मैं बस इतना सा बोलना चाहूंगी, सच बोलना भी एक कॉन्फिडेंस है। जी दैट्स द पॉइंट, मैं यही कह रही हूँ कि अगर हम यहाँ बाहर निकलते हैं, देखिए अगर मगर वो सच बोलना में कॉन्फिडेंस यहाँ पे चलता है, मगर वहाँ जाके आपके बच्चे में बहुत चेंजिंग और बहुत फर्क होगा। जैसे अभी एक कॉलर ने कहा कि मैं अपने बच्चे को लेके गई तो मेरा बच्चा तो बिल्कुल ही बुजदिल लग रहा था, बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि ना बच्चा बाहर तक नहीं जा सकता, कि वहाँ के बच्चे तो आप सोचें गलियों में यूं करके चीज लेने गए तो चार गलियां और घूम के आ जाएंगे, यहाँ का यहाँ के बच्चे को लेके जाए हम गली के कोने तक भेजे, बच्चा जाते हुए डरेगा और बच्चा जाना ही नहीं जाएगा, इसलिए तो एडजस्ट नहीं होता बच्चा। एडजस्ट करना एक डिफरेंट चीज है, मैंने आपको अभी कहा
कि जो बच्चे के घर से उसको झूठ नहीं सुनने को मिलेगा वो चांद पे भी ले जाए वो झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन जिस बच्चे को माहौल मिलेगा वो चांद पे भी उसको मिलेगा तो वो वहाँ भी झूठ बोलेगा। इसका कॉन्फिडेंस से कोई ताल्लुक नहीं है जी। मगर ये देखिए, ये आपका अपना ओपिनियन है, ये मेरा ओपिनियन है, ये आपका ओपिनियन है, ये अर्चना का ओपिनियन है, वो दो तीन कॉलर आए उनका अपना ओपिनियन है, पर ये 100% देखें आपका ओपिनियन है। आप कहती हैं कि नहीं, यहाँ के बच्चे में सही कॉन्फिडेंस है, यहाँ का बच्चा बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ का बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो टोटल डिफरेंट है। आप ये बोले कि चालाकी और मक्कारी, तो मैं कहूंगी कि एवरेज वहां ज्यादा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि कनाडा यूएस में बिल्कुल नहीं है और पाकिस्तान में इंडिया में है, नहीं। हाँ, एवरेज वहां ज्यादा है, लेकिन एवरेज ज्यादा है, चालाकी बहुत ज्यादा है, दिमाग बहुत शार्प माइंड है उन लोगों का, वहाँ के बच्चों का बहुत शार्प माइंड दिमाग होता है। आप यहाँ पर आप पाकिस्तान से एक बच्चे को यहाँ लाए, हाँ जी, महीने में अगर वो बाहर घूम रहा है जूता का पाँव काटता रहेगा वो नंगे पाँव नहीं चलेगा कि लोग क्या कहेंगे, यहाँ के बच्चे को अगर कोई डिस्टर्ब हो रहा है जूता उठा रहा है साइड पर, जिस का कॉन्फिडेंस, ये उसको फिक्र ही नहीं निकलो, मुझे देख रहे नहीं देख रहे। मैं उस पॉइंट पे बात कर रही हूँ कि ये मुल्क कॉन्फिडेंस देता है आपको अपनी लाइफ में, मस्त अपनी लाइफ में मस्त। यहाँ का कॉन्फिडेंस, यही तो मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे डिफरेंट कॉन्फिडेंस है बच्चों के अंदर, वहाँ का डिफरेंट है। वहाँ यहाँ का बच्चा ले जाने के बाद, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मगर मेरा मकसद सवाल यही है कि वहाँ के बच्चों में और यहाँ के बच्चों में क्या फर्क है। यहाँ से जब आप अपने बच्चे लेके जाते हैं तो आपको ये रियलाइज करें। एक कॉलर है हमारे साथ, आप हमारे साथ रहिएगा, देखते हैं इनकी क्या राय। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं दोबारा आ गया। हाँ, दोबारा आ गया। आपने कॉलर की बात सुनी ना, बहस चल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। जो आप बहस कर रही हैं वो मानेंगे नहीं, वैसे ये भी बता दूंगा। नहीं माने ना माने, मेरा अपनी राय है। देखिए बहस नहीं, हमारी बहस तो बहस नहीं है, हम अपनी राय दे रहे हैं, आप भी अपनी राय दे सकते हैं। सबका अपनी अपनी राय, अपना अपना ओपिनियन है। देखें, तकरार का तो मकसद ही यही है, प्रोग्राम में तकरार होनी चाहिए। अगर तकरार नहीं है तो ड्राइंग रूम शो थोड़ी हो रहा है हमारा बैठकर। बताइए हसन साहब, आप क्या कहना चाहेंगे जी? आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मुझे एक बात याद आ गई थी, अभी काफी साल पहले की बात है कि हम लोग न्यूयॉर्क में हमने वो टी शर्ट का नाम लगवाया था। हाँ जी। मेरे बेटे ने अपने नाम से लगवाया था, तो वहाँ मेरे कजिन आए कनेक्टिकट से। हाँ जी। और वो कहने लगे कि यार ऐसा करो कि एक मेरी अभी लगवा दो, इसी नाम से रहने दो, जो खर्चा आएगा हम आधा कर लेंगे। तो मेरा बेटा वहाँ बैठा हुआ था, तो मैंने कहा इससे पूछ लो। अच्छा। तो वो जो था उसने मना कर दिया उनके सामने कि मैं ये काम नहीं करूंगा, ये सही नहीं है जी। कि मैं अपने जब हम आप अपने नाम से लगाइए, पैसे दीजिए, ये जवाब दीजिए भाई आप, मैं आधा आधा करूँ, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, और मैं अपने नाम से ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। हाँ जी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ के बच्चे जो हैं वो फिर भी बहुत अच्छे और सीधे साधे और सही रास्ते पे जाते हैं। देखिए, हम यहाँ के बच्चों को, हसन साहब एक मिनट, हसन साहब मैं यहाँ पे बैठ के यहाँ के बच्चों को हम बुरा नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ के बच्चे बुरे, हम तो सिर्फ एक क्वेश्चन लेकर आए आप लोग के सामने और आप लोग से आंसर चाह रहे हैं कि यहाँ के बच्चे में और वहाँ के बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आपको क्या फील होता है, आपको क्या फील करते हैं, तो आपको क्या लगता है, ये हमारा सवाल है। हम ये नहीं कह रहे खुदा ना खास्ता कि यहाँ का बच्चा बहुत खराब है, यहाँ के बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है, डल है, सिर्फ हम ये फर्क फील करा रहे हैं आपसे जी। नहीं नहीं, आपका बिल्कुल कहना सही है, और हकीकत यही है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, देखिए जिनके बच्चे, मैं यहाँ पर एक फैमिली को ऐसा जानता हूँ जो वो पूरी की पूरी फैमिली ड्रग में मुब्तला हो गई है, बच्चे उनके रातों को जाकर के मगिंग करते हैं, लोगों को लूट लेते हैं, तो पाकिस्तान के ही है, लाहौर के ही रहने वाले हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि वो एक फैमिली से सारी फैमिलियां खराब नहीं होती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कह रहे हैं, समझे नहीं। तो लेकिन जो मेजोरिटी है वो यहाँ पर अच्छी है और अच्छे लोग हैं, और इंडिया में भी अच्छे हैं, लेकिन इंडिया में ज्यादा लोग बहुत होशियार होते हैं, जरा बच्चे पेट होते हैं, क्योंकि माँ बाप भी थोड़ा बिजनेस में ज्यादा झूठ बोलते हैं, बगैर झूठ बोल के उनका बिजनेस चलता नहीं है। मैं तो उन्हीं बिजनेस मैन को ही जानता हूँ, ज्यादातर नौकरी और पेशा वालों को तो मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ, तो इसलिए मैं उसी के हिसाब से बता रहा था जी। जी, पहले का मतलब ये है कि वो तो खैर मानेंगे नहीं, नहीं आप देखे, हमने यहाँ पे एक बात सुनी हसन साहब, यहाँ पे ना होशियार एक अलग वर्ड है, ठीक है। मैं कॉन्फिडेंस की बात करूँ, कॉन्फिडेंस क्या होता है कि मैं ये चीज मानती हूँ और मैं इस चीज पे चलूंगी, चाहे मैं इंडिया में रहूं, चाहे मैं कनाडा में रहूं, चाहे मैं पाकिस्तान में रहूं। मैं उस कॉन्फिडेंस की बात कर रही हूँ कि क्यों नहीं है यहाँ के बच्चों में, यहाँ के बच्चों में बहुत है। हाँ जी, हाँ, लेकिन अगर कॉन्फिडेंट की आप बात करिए तो फिर इंडिया में ज्यादा कॉन्फिडेंट है लोगों के पास,
यहाँ पर नहीं हो पाएगा इतना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यहाँ के बच्चे, अगर आप यहाँ के बच्चों को लेके चले जाएं आपको फर्क फील हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ का बच्चे में और वहाँ के बच्चे में क्या फर्क है। आप ये कह रहे हैं कि वो कॉलर मानेंगी नहीं, अभी वो कॉलर सुन रही हैं, वो जरूर आपको आंसर देंगी। देखिए मानने या मानने का नहीं है, उनका अपना ही राय, अपना अपना ओपिनियन है, वो अपना ओपिनियन देना चाह रही है लोगों को, वो दूसरे नजर से सोच रही है। मेरा पॉइंट बिल्कुल चेंज है, जिस तरह मेरे साथ 2-3 कॉलर आए तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रही है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो हमारा प्रोग्राम ही ऐसा है। मैं आपको अपना ही बता देता हूँ, मैंने असल में अपने बेटे को कहा था कि तुम जाओ वहाँ, अपना अजमेर शरीफ में जाना था, वहाँ पर एक देर पकवानी थी, तो मैंने तुम बेटे जाओ जाकर के वहाँ देर पकवाओ, और मिल जाना सबसे, क्योंकि वो 15-16 साल के बाद जब उसकी मतलब वो अपना क्या कहते हैं शादी हुई, तो मैंने उसको कहा था तो चला जाऊंगा, वो वहाँ गए, लेकिन क्या हुआ कि वो सिर्फ एक हफ्ता में दिल्ली में रुके, यहाँ तक कि हमारी जो फैमिली है वहाँ बरेली में भी है, यूपी में भी है। हाँ जी। लेकिन क्या हुआ कि वो वहाँ पर नहीं गया, वो सारे वहीं पर मिल लिए, बस वो अपना काम खत्म करके वो बड़ा आ गया वापस। उसने कहा भाई मैं ज्यादा देर वहां नहीं जाना चाहता यार, बड़ी प्रॉब्लम है वहां पर, तो कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, जिसके पास जाओ वो एक दूसरे की पढ़ाई करता, तो आई डोंट वांट टू हियर। हाँ। पर ये अलग चीज है कि दो इन चीजों को पसंद नहीं करते, क्योंकि पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपके बेटे में कॉन्फिडेंस नहीं है, उन्होंने डिसीजन लिया, कॉन्फिडेंस था, चले आ गए। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने डिसीजन लिया, मैंने बहुत कुछ समझाया, यकीन करें 32-33 साल के अंदर एक ही बार इंडिया गया, वो जाना ही नहीं चाहता, वो कहता मुझे जाना ही नहीं, वो उनका डिसीजन है और वो उस पर कॉन्फिडेंट है कि भाई मैं ऐसी चीजें नहीं सुन सकता। चले हाँ इंशाल्लाह वो कॉल कर सकती है, आप देखें वो आपके आपके सवाल का क्या जवाब देती है, तो वो कॉल कर लेंगी दोबारा से। मैं यही चाहती हूँ कि कॉलर है ना अपने अपने मैसेज दे, अपनी अपनी राय दे, जैसे अभी हमारे पास एक और कॉल आई थी, मैं आपको बता दूँ वो अपनी जगह पे कायम है और कायम रहेगी इंशाल्लाह, क्योंकि सबके हम लोगों के देखे कायम रहे अपनी बात पे हसन साहब, बिल्कुल ये देखे उनका अपना ओपिनियन है, मेरा अपना ओपिनियन है, आपका अपना ओपिनियन है, दूसरे कॉलर का अपना ओपिनियन है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप देखते हैं वो क्या कहेंगी आने के बाद। जब मैं आई हूँ मुझे वो ही दिखा है यहाँ पे, और मैंने कम से कम आप मानोगे जहाँ पे मैं वर्क करती थी 25-30 मतलब यंग बच्चे ही थे, मतलब 15-17। देखे है ना कॉल जो ना हमें ना स्टूडियो के नंबर पे कॉल कर ले लोग, मुझे पता चला है कि वो ही वहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मुझे यही लगता है, और आपने कुछ और एक्सपीरियंस किया इसलिए आपको वही लगता है। डेफिनेटली जी देखे वैसे जो आपने आपने जो पीछे जो बैच में जो फिल्म लगाई है वो बड़ी अच्छी है, सारे मंदिर और वो दिल्ली का वो अपना कहते हैं जयपुर का, हाँ जी हाँ जी ताजमहल भी है, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, चले है ना क्या कहते हैं ना हमें कॉल करें हमारे स्टूडियो के नंबर पे 6474848 एक और फोन आ रहा है 0018 पे। जी बहुत शुक्रिया। हेलो जी 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 समीना, एक तो हसन साहब की ना कॉल इतनी कट के मुझे सुनाई दे रही थी कि पूरा क्लियर कल चले हसन साहब आप दोबारा से कॉल कर लीजिएगा और क्लियर आवाज में बात कीजिएगा, ये सुनेंगे इतनी मैं उनकी बात सुननी और सच्ची हूँ। मैं फिर कहूंगी कि शायद मैं अर्चना के साथ मिलकर कह रही हूँ कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझा नहीं पा रहे। एक सेकंड के लिए एक कॉलर को मैं होल्ड करा दूं और आप ही को लूंगी। नो प्रॉब्लम। हेलो हेलो समीना कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसी हैं? हाँ मैं ठीक ठाक हूँ, मिसेस इकबाल बात कर रही हूँ ऑस्टिन से। अच्छा मिसेस इकबाल एक मिनट के लिए होल्ड करें, गुल की बात सुन लें फिर आपके पास आते हैं, जाइएगा नहीं कहीं पर भी। अच्छा अच्छा मैं होल्ड पे हूँ। बिल्कुल नहीं जाइएगा, अभी गुल की बात कर लें, सुन रहे थे हम। जी बोलिए जी। हेलो हाँ बोलिए अपना ओपिनियन। आप या तो आप अपनी ना जो टॉपिक है वो चेंज कर लें कि कौन से बच्चे जल्दी पिकअप कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते। नहीं हमारा टॉपिक यही रहेगा, आप अपना ओपिनियन दीजिए, कोई मसला नहीं है, अपना ओपिनियन दीजिए, हमें इसी पे बहस करनी है और इसी पे बात करनी है। मामले में ये ना कोई मैं जिरा है और ना मैं वो बंदा हुई नहीं जो अपनी आई पर दूसरे की नहीं सुनता है। कोई बात नहीं, आपका अपना ओपिनियन है, हमारा चैनल का हमारे देखें एक बात सुने, हमारे प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि लोग जीरा करें, लोग लड़ाई करें, लोग अपना ओपिनियन दें, अगर उनको नहीं पसंद तो ना पसंद करें। एक और कॉलर है उनको भी होल्ड करा दूं, एक और कॉलर है उनको होल्ड कराती हूं, एक सेकंड आप ही से बात करूंगी। हेलो नहीं वो तो देखना चाह रहे थे। चले हाँ जी बोलिए
देखें मैं आपको पहले बात कह दूं कि रिंचल भाई हो गए, हसन भाई हो गए, जाफरी भाई हो गए, शाजिया शबरी वगैरह जितने भी हमारे रेगुलर कॉलर है वो भी, और उससे हट के भी हम यहाँ पर एक डिस्कशन करते हैं। तकरार का मतलब है तकरार, जो पहले आपके कुछ कॉलर आते थे इसका दुख आपको याद है शर भाई के दौर में बदतमीजी में, वो ना हो बाकी सब ठीक है। बदतमीजी ना करें तो उसको क्या बहन भाइयों की तरह, तो मैं किसी की बात का माइंड बिल्कुल नहीं कर रही। वही हसन साहब की राय थी आपके लिए कि वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी, वो आपकी बात को तस्लीम नहीं करेंगी। मैंने कहा मैं तस्लीम कराने के लिए नहीं बैठी, मेरी अपनी राय है, उनकी अपनी राय, वो अपना ओपिनियन दे रही है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ उनका ओपिनियन। ये कहूंगी कि मैं हर वो चीज जो दलाइल मेरी समझ में आ जाए तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, जिस तरह हम आप लोगों को नहीं समझा पा रहे अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि कॉन्सेप्ट जो होता है ना वो बिल्कुल डिफरेंट थ्योरी में आ गया, जो आप अगर एडजस्टमेंट कह रहे हैं तो वो एक अलग चीज आ गई। आप टॉपिक आपका कॉन्फिडेंस है, बात आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं, एडजस्टमेंट तो नो डाउट नहीं, हम कॉन्फिडेंस में ही बात कर रहे हैं, हम कॉन्फिडेंस में बात कर रहे हैं। पता नहीं आपका जो भी राय है आप अपना ओपिनियन दे दें, और लोगों की कॉल है, बहुत सारी कॉलें आ रही हैं, हम सबकी राय देंगे, मगर हमारा मकसद यही है, सेम टॉपिक भी यही है, कॉन्फिडेंस यहाँ के बच्चों में के बनिस्बत पाकिस्तान की अपनी कंट्री के बच्चों में कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। यहाँ के बच्चे बिल्कुल चेंज और फर्क फील करते हैं, हमें लगता है, आपको नहीं लगता, आप अपनी राय दीजिए। के पाकिस्तान इंडिया में भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन मुझसे ओवरऑल कहा जाएगा तो यहाँ के बच्चे में कॉन्फिडेंस ज्यादा है, मैं यही के बच्चे। चले आपका ये मैसेज है, बहुत शुक्रिया। आप और भी कोई भी राय शामिल करना चाहती हैं, आप कोई और बात करना चाहती हैं तो वो भी आप हमारे साथ शामिल कर सकते हैं। आपको थोड़ी देर और फिर कॉल करती हूं। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हेलो हेलो जी 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज आपका टॉपिक क्या है? आज आपने पढ़ा नहीं, एक मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा, मैं इनको जरा सा होल्ड करा के आप ही से बात करूंगी। हेलो 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 जी हेलो जी या तकरार लाइव जी या लाइव या हम देख रहे हैं आपका जो प्रोग्राम है तो... आप बोल कौन रहे हैं, पीछे से आवाज आ रही है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, कौन बोल रहा है? मैंने ये आपका ही प्रोग्राम है ना? जी मेरा ही प्रोग्राम है, हम सुन रहे हैं, हम ही देख रहे हैं। अच्छा अच्छा बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अच्छा सवाल अच्छा है आपका जी, आप बताइए आपकी क्या राय है? नहीं हमारी राय ये है कि दोनों दोनों के बच्चे यहाँ के भी अच्छे हैं वहाँ के भी अच्छे हैं। नहीं हम बच्चों की अच्छाई और बुराई को नहीं ले रहे, हम सिर्फ ओनली हमारा सवाल है कि यहाँ के बच्चों की बनिस्बत कॉन्फिडेंस वहाँ के बच्चों में ज्यादा होता है या यहाँ के बच्चों में ज्यादा होता है, या लेवल क्या देखते हैं आप, कहाँ देखते हैं, कितना लेवल होता है वहाँ के बच्चों में और यहाँ के बच्चों में, क्या फर्क होता है फील करते हैं? देखो मेरा जो बच्चा है वो सेकेंड स्टैंडर्ड से टेंथ स्टैंडर्ड तक यहाँ पढ़ा। हाँ जी मैं अपना एग्जांपल देना चाहता हूँ, बहुत ही यूनिक एग्जांपल है जी, और ये भाई लकीली हमने ये देखा है, तो आपके जो सुनने वाले होंगे, मैं इंडिया से हूँ बेसिकली। कोई बात नहीं, इंडियन और पाकिस्तानी यहाँ पढ़ा, 96% एवरेज थी यहाँ पर जी, 96%। उसके बाद हमने ऐसा डिसाइड किया कि हमको इंडिया जाना है जी, हम लोग वहां गए, मेरा यही बेटा वहां भी टॉप करने लगा 11th, 12th में। अच्छा गुड, वेरी गुड। वहाँ उसने मेडिकल स्कूल में एग्जाम वो लिया यूनिवर्सिटी में। हाँ जी। वो फिजियोथेरापिस्ट बना, फिजियोथेरापिस्ट। उसके बाद मैंने सोचा मेरे को वहाँ यहाँ वापस आना है जी, है ना, यूनिक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। तो फिर मैंने हम तो आ गए 3-4 साल में जी, मैंने बोला इसको कि भी आप कम्प्लीट करके आओ फिजियोथेरापी, ठीक ठीक है, फिजियोथेरापी कंप्लीट करके आया, वहाँ भी यूनिवर्सिटी टॉप करके आया, गोल्ड मेडल लेके आया, गुड वेरी गुड जबरदस्त वेरी नाइस, है ना, 7 साल रह के आया, वो 11th 12th किया वहाँ पर और 5 साल और फिजियोथेरापी करके डॉक्टरेट करके आया वहाँ यहाँ पर जी जी। अभी यहाँ आया लाइसेंस प्रोसीजर करके, इमीडिएटली उसको सेकंड मंथ में ही उसने सेकंड ही मंथ में उसने असिस्टेंट फिजियोथेरापिस्ट का जॉब ले लिया यहाँ पर। गुड वेरी गुड, कंपैरिजन टू बी ऑनेस्ट विथ यू, ये जो कंपैरिजन है ना बहुत यूनिक है, वो अलग इंडिविजुअल पे जाती है, ये इंडिविजुअल बच्चे पे है, ये या तो कनाडा का बच्चा है या इंडिया का है या पाकिस्तान का है, ऐसा नहीं है, आपने अपने फैमिली से क्या उसने सीखा है, पेरेंट्स से जी, पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग क्या है, वो सारा ही सारा दारोमदार इसके ऊपर जाता है जी, बिल्कुल। जब बेटा बच्चा या बच्ची पैदा होती है 8 अप टू 8 इयर्स 8 साल तक उसका जो ब्रेन हो पूरा डेवलप हो जाता है जी। तो पूरा 8 साल तक उसने जो देखा है ना तो बेसिकली वही फंडा लेके जाता है आगे जी। उसके बाद जो एक्सपीरियंस उसको मिलता रहता है उसके ज्यादा तो 50% से वही रहता है और बाकी फैमिली
एनवायरमेंट और जो फ्रेंड्स है उसके आसपास के। हाँ जी। तो ज्यादा अगर पेरेंट्स अगर ध्यान रखे, बस और कुछ करना नहीं है, कि इंडिया में है या पाकिस्तान में है या कनाडा में है, अगर उसके पेरेंट्स या उसकी फैमिली अच्छी है और उसके फ्रेंड्स आसपास के अच्छे है, तो वो कहीं भी रहेगा कॉन्फिडेंट ही रहेगा, कहीं भी रहेगा वो जॉब भी ले लेगा, सच्चा भी रहेगा, झूठ भी नहीं बोलेगा, सब कुछ करेगा। हाँ तो मेन जो बेसिक चीज है वो हमको हमारी है पेरेंट्स की जी। पेरेंट्स को देखना चाहिए कि वो कहाँ पर, वो उसका आसपास के लोग कौन से हैं। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैंने आज पहली बार सुना आपका। अच्छा भाई, लकीली मैंने ये देखा आपका कुछ चैनल। ओके, तो आप देखते रहिए चैनल, आपका टॉपिक रियली वेरी, आपका नाम क्या है? एवरीबॉडी, आप बहुत थैंक यू सो मच, इसी तरह देखते रहिए, आपका ही चैनल है, आप लोग के लिए बनाया। थैंक यू वेरी मच, हमको पता नहीं आप दोनों का नाम क्या है, हम देखते रहे आपका नाम। मेरा नाम समीना है, इनका नाम अर्चना है। अर्चना और अमीना, समीना समीना जी, हमारा मेरा नाम है विकास, विकास पटेल जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, इंडिया में। हाँ ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच। जी हाँ, अभी मिसेस खान का फोन आया था, वो हमें दोबारा कॉल कर सकती हैं, काफी लंबा उनको होल्ड कराया मैंने, तो ये नए कॉलर थे, तो मैं, वो तो मेरी रेगुलर कॉलर है, अक्सर कॉल करती है मुझे, तो अगर वो प्रोग्राम देख रही हैं और अपना ओपिनियन हमारे साथ शामिल करना चाहती हैं तो जरूर हमारे साथ कॉल कीजिए और हमारे साथ बात कीजिए। अभी जो कॉलर थे जिन्होंने हमसे बात की, जो बात कर रहे थे कि मैंने अपने बच्चा, मैंने यहाँ आया, यहाँ पे भी टॉप करता था, फिर इंडिया भेज दिया, वहाँ पे एजुकेशन हासिल की, मगर मेरा सवाल अभी भी वहीं पर है। देखिए, उन्होंने इंडिया में भेजा काफी साल, 7 साल उनका बच्चा इंडिया में रहा, उसने इंडियन कल्चर, इंडियन माहौल को देखा, वहां पे भी वो एडजस्ट हुआ, वो लोग खुद छोड़ के पेरेंट्स आ गए, बच्चा वहां पढ़ रहा था, अपनी एजुकेशन बच्चा वहां हासिल कर रहा था, तो यकीनन उन लोगों ने, उन्होंने पेरेंट्स ने सबसे ज्यादा उनको इसलिए फर्क फील नहीं हो रहा अपने बच्चे में और यहाँ के बच्चों में, इसलिए कि उन्होंने तो दोनों तरफ अपने बच्चे की परवरिश पाई, यहाँ पे भी उन्होंने अपनी थोड़ी एजुकेशन बच्चे ने यहाँ पे भी हासिल की, आधी एजुकेशन यहाँ हासिल की, आधी एजुकेशन उन्होंने अपने बच्चे को इंडिया में दिलाई, तो वो जब इंडिया के माहौल को भी समझ गया, इंडिया के दोस्त भी उसके बन गए, यहाँ के दोस्त भी बन गए। मेरा सवाल सिर्फ यही है यहाँ पे सारे लोगों से, जो क्वेश्चन मैं कर रही हूँ, जिसमें मैं बात कर रही हूँ, देखिए सबका अपना ओपिनियन है, अर्चना अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ बात शेयर कर रही है, मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ, कॉलर अपने एक्सपीरियंस से जो भी बात शेयर कर रहे हैं। देखिए हमारे साथ कॉल है, देखते हैं कौन है जो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, कैसे? वालेकुम अस्सलाम, बढ़िया। अर्चना जी, आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं आज के लिए। थैंक यू। मीना जी, मैं आपके साथ हूँ जी। तो इसे पाकिस्तान के बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी देखिए मैं कह रही हूँ, देखिए हर कॉलर को अपना हक है, अपना ओपिनियन देने का, अपनी राय देने का जी, यकीनन मेरा अपना ओपिनियन है, मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जी। नहीं, वहाँ के बच्चे देखें, हम यहाँ के बच्चे को जितनी भी अच्छी एजुकेशन दिलाते हैं, अच्छा माहौल देते हैं, मैं ये नहीं कह रही खुदा ना खास्ता कि आप लोग मेरी बात का मतलब ही गलत निकाल रहे हैं, कि यहाँ के बच्चों को मैं बुरा नहीं कह रही, यहाँ के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं, इतनी अच्छी एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं, सब कुछ होते हैं, हर चीज होती है यहाँ के बच्चों के अंदर मौजूद, मगर जब हम अपनी कंट्री में अपने बच्चों को लेके जाते हैं तो वो फर्क पूछना चाह रही हूँ लोगों से, क्योंकि आप लोग क्या फील करते हैं वो फर्क। तो यकीन हमें लगता है कि हमारा बच्चे को कुछ आता ही नहीं, कॉन्फिडेंस ही नहीं है हमारे बच्चों को, वहां का बच्चा तो एक नंबर का तेज रखता है, आप लोग ये कहें कि आप उसको दूसरे मायनों में लेके जा रही हैं, चलाकी लाइक वहां पे अगर 14-15 साल का बच्चा आपको ड्राइविंग भी लेगा, उसको सारे रास्ते भी पता है, एवरीथिंग, यहाँ के बच्चे बातचीत, आप सोचें यहाँ पे बच्चा ड्राइविंग लेसन लेगा, रूल फॉलो करेगा, वहाँ का बच्चा तो रूल ही नहीं फॉलो करता, कुछ नहीं करता, उसमें वही चलाकी आती रहती है कि इधर से कट मारो तो उधर से कट मारो, तो इधर से गाड़ी निकाल लो, तो इधर से ये कर लो, तो ये चेंजिंग होती है ना, बाइक चला रहा है, उसके पास है नहीं है लाइसेंस, बाइक चला रहा है रोड पे, उसको कुछ पता नहीं फॉलो करने है, सिग्नल फॉलो करने है, पर ये कॉन्फिडेंस नहीं है ना, ये तो गलत बात है, ये गलत चीजें सीख रहे हैं जी, कॉन्फिडेंस थोड़े मासूम पैन में कॉन्फिडेंस नहीं है, और ये है कि वहाँ के बच्चे एजुकेट, यहाँ पे मोस्टली बच्चे हाई स्कूल के बाद आगे नहीं पढ़ते, लेकिन वहाँ के बच्चे के एजुकेशन में भी हमारा पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा है, इंडिया पाकिस्तान बहुत आगे है एजुकेशन में, ये है, ये भी एक बिग डिफरेंस है वहाँ की कंट्रीज में, वहाँ पे हर दूसरा बंदा भी हमारी कंट्रीज में मास्टर्स है, भी बैचलर्स है, यहाँ पे हाई स्कूल के बाद ज्यादातर मैंने देखा है कि बच्चे बस जॉब कर रहे हैं या कुछ,
बिल्कुल सही कहा। नहीं नहीं अभी तो लाइन जब तो लगी थी, हमारी लाइन लगी थी, वो हमने लोगों को होल्ड कराया तो हमारे कॉलर चले जाते हैं। असल बात ये कि जब लंबा लंबा होल्ड पे डाल देते ना तो कॉलर इंतजार करके वापस चले जाते हैं। तो यकीनन अभी आपकी हमने कॉल लिया, अब जो भी कॉलर हमारे साथ आना चाहता है तो हमसे बात कर सकता है। तो यकीनन आपने तो अपना राय हमारे साथ शामिल कर ली, अपना ओपिनियन दे ही दिया। तो यकीन देखें अब ये आपका अपना ओपिनियन है, हम ये नहीं कह रहे को अभी वो जो कॉलर थी वो दोबारा से हमें कॉल कर सकती हैं जो गुल साहिबा हैं, तो वो कह रही हैं कि मैं नहीं मान रही, वो अपना ही राय अपने माइंड से सोच के बात कर रही हैं और हमारी अपनी एक सोच हम लेकर आए। हसन साहब की अपनी सोच थी, दूसरी दो और तीन कॉलर थे उनकी अपनी राय थी, अर्चना की अपनी राय, आपकी अपनी राय, हाँ सबकी अपनी राय, यकीन सब अपनी राय दे सकते, हमारी पर्सनल राय कुछ ना कुछ तो कमी है कि यहाँ के बच्चों से और वहाँ के बच्चों में फर्क तो है, ये माने आप लोग एक्सेप्ट करें ये चीज को। 100% चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो हेलो, हाँ जी जी शमीना जी जी, मैं कहूँगी शायद अभी कॉलर उनका नाम मुझे नहीं आता सॉरी, लेकिन मेरा शायद पॉइंट सुनने वाले बहुत सारे लोग समझ जाएंगे कि यस आई एक्सेप्ट यू, ओवर कॉन्फिडेंट आप कह सकते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं कह सकते आप, अच्छा ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंट कोई काबिलियत नहीं है। मेरे कहने का मकसद ये है कि आपको यहाँ भी ओवर कॉन्फिडेंट बच्चे मिलेंगे लेकिन आटे में नमक के बराबर, लेकिन आपको बैक होम में बहुत सारी लाइनें फ्लश करने लगी आपके सवाल के ऊपर, आप बहुत सारी लाइनें कर रही हैं, जवाब देने के लिए तड़प रहे हैं लोग। अब मैं सब आपकी, आपने कहा दोबारा कॉल कर लूंगी, कॉलर भी चलेगा, तीन चार जितने जो लोग हमें कॉल कर रहे थे पूरी लाइनें हमारी फ्लश कर रही थी। अगर आप लोग कॉल कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं, आपकी क्या राय, आपका क्या ओपिनियन है, तो हमें कॉल कीजिए 6474840018 पर, हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। बहुत अच्छा सा हमारा टॉपिक चल रहा है। तो अभी जो एक कॉलर हमारे साथ आई थी तो वो कह रही है कि कॉन्फिडेंस की बात मैं नहीं कर रही, मैं ओवर कॉन्फिडेंस कह सकती हैं आप वहाँ के बच्चों में और ये कह सकते हैं, तो आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, आपकी क्या राय, जो आपने सब कॉलर की राय सुनी है। चले फिर ऐसा करते हैं, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं और फिर वापस आते हैं, आप कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए आपका अपना प्रोग्राम तकरार। चले इस कॉलर को लेते हैं, इसके बाद जाते हैं, ये बेचारी ने दोबारा मुझे कॉल किया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, अच्छा खालदा एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा, एक कॉलर है, मैं आपको ही लेती हूँ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, हाँ जी जी मैं मिसेस खान बोल रही हूँ। जी मिसेस खान बोलिए, आप ही की बात, आप ही से बात करूंगी बाद में, खालदा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, होल्ड पे रहिएगा, मिसेस खान से बात कर लूँ, इन्होंने पहले भी हमें कॉल की और हमने इनको होल्ड पे डाला और ये बेचारी चली गई, हम दोबारा से कॉल पे आएंगे। जी बोलिए मिसेस खान। हाँ जी जी सुमिंदा, वो आपका टॉपिक बहुत अच्छा है आज, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, तो मैं मेरे ख्याल के मुताबिक यहाँ के बच्चे जो है वो ज्यादा कॉन्फिडेंट है बाद निस्बत पाकिस्तान की। अच्छा कैसे, आप बताइए कैसे। वो मैं आप सबको बताती हूँ, इसलिए कि आप यहाँ के बच्चे एक तो वो सच्चे हैं, आपको पता है कि वो तो है, वो तो हम यकीन कर रहे हैं 100% सच्चे हैं। पर आपको मिसेस खान एक सवाल, एक बात आपको फील नहीं होता जब आप यहाँ के अपने बच्चों को पाकिस्तान लेके जाती हैं तो आपको क्या फर्क फील करती है वहाँ के बच्चों में यहाँ के बच्चों में, ये बात छोड़ देंगे, तो हम खुद कह रहे हैं कि यहाँ के बच्चे बहुत ऑनेस्ट होते हैं और सच्चे होते हैं। एक्सप्लेन करने लगी हूँ जी, यहाँ के बच्चों को आपको गोरा काला छोटा बड़ा सबका लेवल बराबर, उन्होंने रिस्पेक्ट देनी है जी, ठीक है। जब वो पाकिस्तान जाते हैं सबसे पहला उनपे तो जो कॉन्फिडेंस का वो जो हो जाते हैं वो सरप्राइज वो ये होता है कि वहाँ के जब वो देखते हैं वहाँ के बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं है, वो चलाक है जी, उसको चलाकी ले कह सकते जी, वो देखते हैं कि वो झूठ बोलते हैं, वो चलाक है, और जो फैमिली मेंबर यहाँ जा रहे हैं वहाँ नौकर है वो सारे बच्चे हैं बड़े हैं, वो सारे हैंडीकैप शो होते हैं, वो कहते हैं ये कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ बातें कर रहे हैं या फैशन कर रहे हैं या वो कोई नौकर आ गया उस पर रोब डाल दिया, ये तो उनका कॉन्फिडेंस तो वैसे डेड हो जाता है यहाँ से जाके, ये क्या लाइफ है।
कोई इनका ला नहीं, कोई कानून नहीं है. यहाँ के बच्चे जो है एटलीस्ट उनके पास ये कॉन्फिडेंस है कि वो एक चीज को फॉलो कर रहे हैं और वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं. वहां जाके इसलिए वो बुद्धू लगते हैं कि उनको एक टोटली लाइफ डिफरेंट. देखिए आपने कहा ना कि वहां के यहाँ से ले जाके बच्चे, हमारे बच्चे बुद्धू लगते हैं, तो वही सवाल पैदा हो रहा है, वही फर्क मैं आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ. क्या रीजन है, क्या वजह है? मैं यहाँ के बच्चों को बुरा नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे देखिए मैं बच्चों को बुरा नहीं कह रही, यहाँ के बच्चे बहुत अच्छी एजुकेशन है, सब कुछ है, मगर वहाँ के बच्चों में और यहाँ के बच्चों में बहुत फर्क है. यही सवाल है मेरा आज का बोलने के लिए. और कॉन्फिडेंट नेचर नहीं, वहाँ के बच्चों में ओवर कॉन्फिडेंस होता है, बहुत कॉन्फिडेंस होते हैं बच्चे. यहाँ के बच्चे वहां जाके कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं होते, लूज कर देते हैं, उनको फील ही नहीं होता, वो लगते हैं बिल्कुल उनको कुछ आता ही नहीं है. इतने ऑनेस्ट हमें खुद पेरेंट्स को भी फील होता है कि यार अपने बच्चों को इतनी अच्छी एजुकेशन दिला रहे हैं, इतनी अच्छी कंट्री में रह रहे हैं, पर यहाँ के आगे आकर देखा तो बच्चा टोटल चेंज है. नहीं, पर वहाँ के बच्चों में मिक्स ही नहीं होता. यहाँ का बच्चा वहां जाके सोचता होगा, जी यहाँ का बच्चा वहां जाके सोचता होगा कि अरे मुझे तो इतना कुछ आता है, ये तो सब डिपेंडेंट है. उल्टा मुझे लगता है ये उनको कॉन्फिडेंस आता होगा. नहीं नहीं, मैं तो कहती हूँ बच्चा है ना सरप्राइज हो जाता है, वहाँ का लाभ चेंज देख के सरप्राइज हो जाता, तभी तो एडजस्ट नहीं हो पाता. जब भी तो एडजस्ट नहीं हो पाता, एक महीने के बाद ही उसको लगता है कि यहाँ से वापस जाए और इसी कंट्री में रहे, इसलिए एडजस्ट नहीं हो पाता. यहाँ लाख कानून को फॉलो कर रहा होता है, जी वजह से वो महसूस हो रहा होता है, वैसे कॉन्फिडेंस होता है. जी बिल्कुल, क्वाइट एक चीज देख रहा था, इवन वहाँ का बच्चा यहाँ ले आए, चलो वो चलाक बच्चा यहाँ उठा के ले आते, तो वो भी चंद दिन वो हो गया कि ये तो सारे लाख कानून है, मैं चलाकू सा था, मैं झूठ बोलता था, फैशन करते थे वो क्या. तो वहाँ का बच्चा इसीलिए तो सेट नहीं हो पाता यहाँ के बच्चों के साथ, यही तो सवाल है. तो कह रही है अगर वहाँ का बच्चा यहाँ कनाडा में आता है तो वो हमें बुद्धू लगेगा, हमारे बच्चों को, वो उनको लिफ्ट नहीं कराएंगे कि ये कुछ और ही लेवल का है. देखिए हमारे पास एक बहुत अच्छे से कॉलर आए थे, इंडियन के, इंडिया थे, इंडिया की बात कर रहे थे, वो कहते कि मैंने बच्चे को यहाँ पे एजुकेशन दिलाई, उसने टॉप किया और अवार्ड हासिल किया. जब मैंने इंडिया भेजा तो इंडिया में 7 साल रहा वहाँ पे एजुकेशन की, तो उन्होंने ये बताया कि मैं, मेरा बच्चा बहुत जबरदस्त है, यहाँ पे गुड जॉब है, सब कुछ है. तो उन्होंने दोनों माहौल में अपने बच्चे की परवरिश भी करी, तो उसको वहाँ का माहौल भी मिल गया, उसको यहाँ का माहौल भी मिल गया, तो वो दोनों माहौल में एडजस्ट हो गया. हम सिर्फ टोटल वो बात कर रहे हैं कि जो यहाँ का बच्चा और वहाँ के बच्चे में क्या फर्क है, कॉन्फिडेंस लेवल, ये चीज कर रहे थे. वो तो मैंने तो आपको बताया, वो तो ठीक है. जी आपने यही अभी बताया ना कि यहाँ का बच्चा जाता, यहाँ के बच्चे को लेके जाओ तो वहाँ का बच्चा इतना चलाक और इतना तेज होता है कि यहाँ का बच्चा बुद्धू लगता है ले जाकर. बिल्कुल, तो वही चीज, क्योंकि वो लाख कानून हर चीज चेंज आ जाती है, हर चीज. इवन हम भी फर्स्ट टाइम जब इन कंट्री में आए थे तो हम कितने सरप्राइज होते थे जब इधर आते, यहाँ कुछ और, तो ये चीज ही आती ना. जी बिल्कुल, उधर जाके वो बच्चों में ये चीज आ रही होती है. जैसे कहने को हम दिल्ली से हैं, जी कहने को हम दिल्ली से हैं, पर हम यहाँ आए, हमने कई सिस्टम देखे जो हमें पता ही नहीं था, तो उस टाइम तो खुद को भी लगता है अरे हमें तो ये भी नहीं पता, वो नहीं पता. वो तो आप दूसरी कंट्री में, चाहे इंडिया से आए, चाहे पाकिस्तान से या कैनेडा से जाए, वो तो लगेगा ही कुछ टाइम, इतना एडजस्टमेंट नहीं हो पाता. इसका मतलब ये नहीं कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, अभी हमें वो चीज आती नहीं है या हमें अभी समझ नहीं आ रही. नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ के बच्चों में ज्यादा कॉन्फिडेंस है बनिस्बत पाकिस्तानी बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं, कह सकते चलाकी कह सकती है. चले बहुत, चले मिसेस खान बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो मच, आपका मैसेज लोगों तक पहुंच गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू. इसी तरह प्रोग्राम देखती रहें और हमें इसी तरह हमारे प्रोग्राम में शामिल रहें, इसलिए कि हम हमेशा कहते हैं कि ये प्रोग्राम हम आप ही लोगों के लिए लेकर आते हैं. ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. जी हाँ, खालदा ने हमें कॉल की थी, जिन्होंने हमें होल्ड कराया था जिनको. जी हेलो, हेलो अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. जाफरी साहब एक मिनट के लिए होल्ड करें, एक कॉलर को मैं होल्ड कराती हूँ, आप ही से बात करूंगी. जाफरी साहब जाइएगा नहीं. हेलो 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 वालेकुम. वालेकुम सलाम, आप होल्ड पे जाएंगे, इसलिए कि वो जाफरी साहब पहले आ गए थे तो मैंने तो सिर्फ आपकी कॉल लेट अटेंड कर ली है. अच्छा ठीक है, जाफरी साहब को आप अटेंड कर लें. जी जी, फिर आप आइएगा वापस. ओके हेलो जी जाफरी साहब, मैं काफी देर से सुन रहा हूँ ये तकरार, जी ये बच्चों पे है. जी मैं इस चीज से आपको चैलेंज करता हूँ. जी अगर कोई भी इधर पैदा हुआ है ना बच्चा, या पाकिस्तान पैदा हुआ है, उसके लिए अगर जर्मन भी ले जाए ना, इंग्लैंड ले जाए, किसी पूरी दुनिया के किसी मुल्क में भी ले जाए ना, तो उसको टाइम लगेगा एडजस्ट होने में.
वो बिल्कुल बुद्ध को बड़ा भी हो, बच्चा को छोड़ो, बच्चे को छोड़ो, अगर बड़ा आदमी भी चला जाए ना जी, जिसको पता नहीं था अमेरिका का क्या स्टाइल है, पाकिस्तान से आ जाए, अगर सऊदीया से आ जाए, किसी प्रोसेस से आ जाए, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, नहीं तो वो बुद्ध होता है, बड़ा भी बुद्ध होता है, छोटा भी बुद्ध होता है। अगर दो चार साल में वो ही होशियार हो जाता है, वो ही ऐसी ऐसी बातें करता है, अब जो न्याय आएगा फिर वो बुद्ध होगा तो वो स्मार्ट हो जाएगा, वो बहुत चिराग हो जाएगा। ये है, ये तकरार जितनी मर्जी आप इससे बातें कर लें वो कम है, ये हर आदमी के लिए बड़े के नहीं। आप ये बताएं, आप ये बताएं जो मेरा सवाल है उसका जवाब दें। आपने अब ये बता दिया कि बच्चे को चाहे आप अमेरिका ले जाएं, आपको यहाँ ले जाएं, आप सिर्फ हम बात करें पाकिस्तान के बच्चों की और यहाँ के बच्चों की, तो उसमें बताइए आप क्या जवाब देंगे, आप क्या मैसेज देंगे लोगों को अपना? पूरी इसमें पूरा वर्ल्ड आ जाता है, छोड़ दें, अगर अफ्रीका से कोई बच्चा आ गया ना कोई इधर, हाँ जी, अगर कनाडा में, तो उसको डिफरेंट लगेगा, उसको वो तो लगेगा, 100% लगेगा, 100% लगेगा। मगर मैं सवाल मेरा आप लोगों से ये है, आप पाकिस्तान को बीच में ना ही ना, ये जनरल बात हो रही है, नहीं पाकिस्तान या इंडिया, पाकिस्तान देखें जनरल बात हो रही है, वो बिल्कुल आपसे कह रहे हैं, हम पाकिस्तान और इंडिया की बात कर रहे हैं जो यहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं, हम वहाँ की बात नहीं कर रहे हैं जो आपको बता रहे हैं कि अगर अमेरिका का बच्चा आ जाए या स्विट्जरलैंड का आ जाए या जापान का आ जाए, वो बात नहीं कर रहे हैं, हम तो यहाँ के अपने बच्चों की बात कर रहे हैं जो हम यहाँ अपने बच्चों को परवरिश देते हैं, तालीम देते हैं, एजुकेशन देते हैं, जब हम अपनी कंट्री में अपने बच्चों को लेके जाते हैं तो वहाँ क्या फील करते हैं आप, क्या महसूस करते हैं, वो सवाल है मेरा सिर्फ, इसका जवाब दे आप। सुने, वो ही दो चार साल उधर रहेगा ना, मेरी भांजी है अमेरिका में डॉक्टर बन के आई है, वो अकेली बच्ची थी, छोटी बच्ची आई थी कोई 6-7 साल की, वो उसने इधर ही पढ़ी है, तो इसके बाद पाकिस्तान गई है, तो उसमें उसने वही गर्मी वही देखी है, जिना पता नहीं फातिमा जिना कोई है उधर जी, 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 लाहौर में, वहां से डॉक्टर बन के आई है, वो तो कोई महसूस नहीं किया, वो कहती है बल्कि यहाँ से पाकिस्तान उधर रिस्पेक्ट है, हर चीज रिस्पेक्ट करते हैं, हर आदमी करता है, हर बच्चा करता है, बड़े करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, इधर आपको देखने के आपको सलाम, बच्चे आएंगे आपको कोई उसको कोई नहीं, क्योंकि कौन आया कौन नहीं आए, बस हाय 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 हाय, आप यकीन करें वो डॉक्टर बन के आई, उसकी कोई कंप्लेंट नहीं है, वो अकेली बच्ची हॉस्टल पे रह के डॉक्टर बन के आ गई है, ये मत सोचते कि यहाँ का बच्चा पाकिस्तान जाए और ये हो जाएगा और ये महसूस करेगा ये स्मार्ट होते हैं, वो स्मार्ट नहीं है, अपने अपने कल्चर में वो सारे स्मार्ट है। थैंक यू, चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच प्रिंस सर भाई, आपने की कॉल थी हमारे पास, आप कॉल कर सकते हैं दोबारा से हमें 6474840018 पर, आप हमें कॉल कर लीजिए, हमारे साथ शामिल हो जाइए प्रोग्राम के अंदर। तो यकीनन बहुत सारे कॉलर आ रहे थे जिनको हमने लिया ही नहीं, जो हमने कहा कि चलो पहले इस कॉलर की हम बात पूरी सुन लें, तो अगर आपको लगता है उनकी बात से आप एग्री कर रहे हैं या डिसएग्री कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप हमें कॉल कीजिए और हमारे साथ शामिल हो जाइए प्रोग्राम के अंदर 6474840018 पर, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी। देखिए जी विंसर भाई, आपने पहले सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने पूरा प्रोग्राम देखा? नहीं, मैंने मिसेस खान की बातों से देखना शुरू किया। ओ चले ठीक है, ओके चले बताइए, आपने मिसेस खान से शुरू कर दें आप, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, आपने गुल की भी बात सुनी, गुल की भी कॉल थी और एक और समीना है उनकी कॉल थी, मिसेस खान की कॉल थी, एक इंडियन थे कुछ इनका नाम भी याद नहीं, विकास साहब उनकी कॉल थी, बहुत सारे लोग कॉलर हमारे साथ शामिल हुए, आज नए कॉलर भी शामिल हुए, तो चले आपने सुना नहीं, जहां से सुना है वहां से बताइए। देखिए जी टॉपिक तो आज का ये है कि जी कॉन्फिडेंस कौन से बच्चों में ज्यादा है, पाकिस्तान के बच्चों में या यहाँ के बच्चों में? जी जो कॉन्फिडेंस की बात है, अब लव कॉन्फिडेंस से बात मैं कर रहा हूँ, जो कॉन्फिडेंस की बात है वो कनाडा के बच्चों में ज्यादा है। जी ठीक है जी, उसका मैं प्रूफ आपको छोटी छोटी मिसालों से दे सकता हूँ। हाँ जी, कि आप कनाडा में देखें जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, यहाँ पे वो कहते हैं कि हमारा ये डे है, हमारा फलां डे है, ये है, और वो उस दिन वो बच्चे को उन्होंने एक किस्म का प्रिंसिपल बनाया हुआ होता है स्कूल का, वो प्रिंसिपल की चेयर पे बैठता है और पूरा दिन वो कंट्रोल करता है सब कुछ। आप बताइए पाकिस्तान में कौन से स्कूल में बच्चे को प्रिंसिपल की चेयर पे बिठाते हैं? हम तो प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हुए डरते हैं। ये बात सच है। दे
देखें जी जो हकीकत है मैं वो बता रहा हूँ, हो सकता है दूसरे लोग ना देखते हो, मैं तो डरता था अपनी छोटी छोटी एज में था, जी मेरा ख्याल है सबके साथ ऐसा होता होगा। देखिए आपका सवालों का जवाब ना गुल भी आप ही की तरफ बोल रही है, वो देखें आपका सवाल का जवाब देने जरूर आएंगे, आप बोलिए बात कीजिए। जरूर 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 जी। कॉन्फिडेंस जो ये लोग पैदा करते हैं बच्चों के अंदर वो एक डिफरेंट लेवल का कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं, ठीक है, ये बहुत अपना जो भी ये काम करते हैं। बाकी रही पाकिस्तान के बच्चों की बात, उनका सोचने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल, दूसरों को बेवकूफ बनाने का स्टाइल, वो टोटली डिफरेंट है। जो यहाँ के बच्चे वो चलाकियां नहीं जानते, ठीक है जी, यहाँ का बच्चा है वो स्कूल नहीं गया तो वो सीधा जाके बोलेगा कि ये प्रॉब्लम था मैं नहीं आया, वहाँ का बच्चा तो ऐसी ऐसी मनगढ़ंत कहानियां सुनाएगा टीचर को के कहने की कोई बात नहीं। हम भी करते रहे ये सब, हमने भी सब दावेबाजियां किए जब हम छोटे थे, झूठ बोलना, ये करना, होमवर्क नहीं किया, टीचर आज लाइट चली गई थी, अब हमारे दौर में तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती थी, अब तो खैर पाकिस्तान की एक रूटीन है, तो वहां पर अगर कभी हमारे दौर में अगर लाइट चली जाती थी, बिजली नहीं आती थी, तो वो बहुत बड़ी बात होती थी। तो हमने जाके बहाना करना, टीचर वो लाइट चली गई थी, होमवर्क नहीं किया, टीचर घर पे मेहमान आ गए थे, सब झूठ। लेकिन यहाँ का बच्चा ये नहीं करेगा क्योंकि छोटे से ही उसको इंडिपेंडेंट भी बनाते हैं, अपना काम खुद करना सिखाते हैं, सब कुछ है, तो और कॉन्फिडेंस बढ़ता है बच्चे का। विंटर भाई यहाँ पे बात चल रही है कॉन्फिडेंस का, मैं ये नहीं कह रही कि वहाँ के बच्चों में और यहाँ के बच्चों में क्या फर्क है। अगर आप अपने बच्चों को, मैं आपकी भी मिसाल नहीं दे रही, अगर यहाँ की जितनी भी फैमिलियाँ जो बच्चों को यहाँ पे बड़ा करती हैं और बड़ा करने के बाद पाकिस्तान लेके जाती हैं या इंडिया लेके जाती हैं, तो आप अपने बच्चों में और वहाँ के बच्चों में क्या फर्क फील करते हैं? तो आपको नहीं लगता कि यहाँ का बच्चा ऑनेस्ट बहुत होता है? मैं मानती हूँ यहाँ पे गुड एजुकेशन हासिल करता है बच्चा, एवरीथिंग चीजें बच्चे के में मौजूद होती हैं, पर वहाँ का बच्चा फिर वो चलाक और तेज लग रहा होता है, और हमारे यहाँ के बच्चे यहाँ के जो पढ़ के जाते हैं वो बिल्कुल सिंपल लग रहे हैं। ये सवाल आज बात हो रही है हमारी इस बात पर जी, इसी टॉपिक पर मैंने ये दो तीन मिसालें दी हैं। जी मैं एक आपको और बात बता रहा हूँ कि पिछले से पिछले साल हम लोग गए पाकिस्तान। जी मैं वो इसलिए बता रहा हूँ, मैं अपनी अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की, या किसी की तारीफ नहीं कर रहा और किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं एक फैक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारे नेबर्स में जो बहुत ही क्लोज नेबर हैं, वो बहुत बड़ी फैमिली है, लकी फैमिली हम लोगों ने कहते हैं। हाँ जी। वो बहुत बड़ी फैमिली है, उनके बच्चे माशाल्लाह सब हाईली एजुकेटेड हैं, बहुत पढ़ लिखे हैं, जिन स्कूलों से मैं एक जमाने में मैं पढ़कर आया, आज उनके बच्चे वहां पर बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं। तो उन्होंने बैठ करके, मतलब हमारे घर में बहुत ज्यादा उनका आना जाना है, तो बैठ करके बातें कर रहे थे, तो उन्होंने बच्चों से बातचीत की। जी अब जब वो बातचीत की उन्होंने, तो उन्होंने जिस टॉपिक पे बात की उस टॉपिक पे बच्चों ने उनसे बात की। अच्छा। तो बाद में उन्होंने बोला कि यार नहीं, बच्चों के पास नॉलेज बहुत ज्यादा है। जी जी। अब एक बच्चे के पास एजुकेशन का नॉलेज है, पढ़ाई का है, क्योंकि टॉपिक का नॉलेज है, लेकिन हमारा हमारे जो बच्चे वहां पर जाते हैं ना, एक तो वो बेचारे उर्दू जो है टूटी फूटी बोलते हैं, लोग उनपे हंसते हैं। भाई एक कॉलर आया आपको जवाब देने के लिए। जी जरूर, मैं सुनता हूँ उनकी बात, उनको देने दीजिए जवाब। हाँ जी बिल्कुल। हेलो 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 वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। बहुत अच्छा प्रोग्राम मैंने अभी देखा आपका। अच्छा, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, कॉलर भी बहुत सारे शामिल हैं, आप भी अपनी राय शामिल कर दीजिए। लाइट बड़ी अच्छी माशाल्लाह लगाई है, अल्लाह पाक हमारे लीडरान को काफी दे के दोनों मुल्कों में अच्छा कुछ हो, हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात रहें। देख के खुशी हुई, कल हमारा इंडिपेंडेंस डे था, आज इंडिया का है, हमारे आधे रिश्तेदार यहाँ आधे वहाँ रहते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही कहा, 100% रखे जी बिल्कुल। और बस अल्लाह पाक सब जगह जो बस अल्लाह ताला अल्लाह पीछे जो आपके वो है ना जिन्होंने ये स्लाइड बनाई है, बहुत खूबसूरत सिलेक्शन की है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत मेहनत की है जी, बहुत मेहनत की उन्होंने। हाँ आई थिंक उनका नाम अर्पित है ना जी। हाँ बहुत जबरदस्त सिलेक्शन किया, कल भी बहुत अच्छा जो उन्होंने फ्लैग सिलेक्ट किया था, दिल चाह रहा था कि तारीफ करूं लेकिन मैं कर नहीं सकी प्रोग्राम में। जी उन्होंने जो पाकिस्तानी परचम पूरी स्क्रीन पे दिया था वो माशाल्लाह इतना खूबसूरत लग रहा था जी। तो मैंने कहा था मैं उनकी जरूर तारीफ करूंगी, माशाल्लाह बहुत अच्छी एडिटिंग है उनकी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी, जी वो बहुत शुक्रिया। थैंक यू बोल रहे हैं आपको। अच्छा और आज भी माशाल्लाह इतना प्यारा वो दिखा रहे हैं बैकग्राउंड में जो सारी चीजें कल्चर, तो वो हमारे मुल्क की और वहाँ की एक जैसी चीजें हैं, हमें अपने भी गांव नजर आ रहे हैं उनमें।
और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, अल्लाह से दुआ है दोनों मुल्कों में सलामती रहे, दोनों को आजादी। अभी जो हालात इतने ज्यादा खराब हो रहे हैं कि समझ लें कि यौम सिया मनाया गया पाकिस्तान के अंदर, तो लोगों ने पट्टियां बांध ली हैं, तो कश्मीर के लिए आज जो इंडियन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया हमारे इसके लिए, जो कश्मीर के लिए आज सुबह 9:30 बजे से प्रोग्राम हो रहे थे बहुत गुरुद्वारे वगैरह में। मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि जो दूसरे ममालिक में इंडियन रहते हैं ना, वो बहुत इंडिया के लोगों के दिल खराब नहीं है इंडिया में जी, पॉलिटिकल की वजह से ये यकीन है ना, वरना आपस में ये हम सब लोग तो एक दूसरे के साथ मिलकर और मिलकर ही चलना चाहते हैं और सपोर्ट कर रहे होते हैं। नेबर्स इंडियन हैं अमेरिका में, मेरे भाइयों के साथ रहते हैं, वो लोग इतने नाइस हैं जी, वो खुद बहुत हार्ड फील बैड फील करते हैं कि ये लोग जो है ना ठीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हम लोग बिलोंग करते हैं इंडिया से और हमारे भी रिलेटिव वहां रहते हैं, तो हम तो दोनों मुल्कों के लिए दुआ करते हैं, हर मुल्क के लिए दुआ करते हैं, हर जगह अमन रहे, अल्लाह पाक कश्मीर में भी अमन रखे। बस वो कुछ बुरे लोग बीच में होते हैं, उनकी पॉलिसीज बुरी होती है उनकी, वरना आवाम के दिलों में दोनों जी जगह के जी, आवाम का इसमें कुछ नहीं होता, आवाम का लेना देना कुछ नहीं होता, मगर वो पॉलिटिक्स के ही चक्कर चल रहे होते हैं जो ये सारी कहानियां और होती हैं। आपने खुशी हुई कि आपने अच्छा काम किया है हमारे लिए, दोनों मुल्क की आजादी इतनी ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे पड़ोस में अगर किसी को कोई तकलीफ होगी तो हमें भी तकलीफ होगी, इसलिए हम अपने पड़ोसी के लिए भी बहुत सारी दुआएं। 100% ये यकीन है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो प्रोग्राम अच्छा, बच्चों का जो टॉपिक है उस पे मैं ही कहूंगी कि बच्चे तो इनोसेंट होते हैं एक्चुअली, वो बच्चों को, बच्चे जो है बड़ों की कॉपियां करते हैं, तो जो बड़े बिहेव करते हैं वो उनको कॉपी करते हैं। यहाँ पे आने के बाद मेरा ख्याल है कि बड़े भी थोड़े बेहतर हैं और शायद बच्चों की वजह से वो बेहतर है क्योंकि यहाँ पे बच्चों को सच बोलना ही सिखाया जाता है, उसूलन तो ये हमारे यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ इतनी पॉलिसीज होती हैं, हमारे यहाँ सिस्टम इतने खराब हैं कि बहाना करना पड़ता है पेरेंट्स को बहुत सारी बातों में और आदत होती है, तो बच्चे शायद कॉपी करते हैं। यहाँ पे इस तरह का सिस्टम नहीं है, रूल को फॉलो करते हैं, एक टाइम पे जॉब पे जाना, टाइम पे जॉब पे आना, स्कूल टाइम पे जाना आना, इतने यहाँ पे वो डिफरेंसेस नहीं है, कोई अपनी मर्जी के स्केड्यूल नहीं बना सकता, तो यहाँ हर चीज इतनी रूटीन पे होती है, तो बड़े भी उसी चीज के अच्छी बातों के आदी हो जाते हैं। लाइक देखें, हम अपने मुल्क में जहाँ खड़े होते हैं गार्बेज फेंक देते हैं, हमें नहीं परवाह होती, जहाँ खड़े होते हैं वहाँ थूक देते हैं, लेकिन छोटे छोटे लॉ जो है वो हमें हर चीज में रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं, हम ट्रैफिक लॉ नहीं तोड़ते, हम सफाई का ख्याल रखते हैं, हम बहुत सारे रूल को फॉलो करते हैं, तो हमारी आदतें भी जो है ना हमारे मुल्कों में रहने वाली आदतों से बहुत बेहतर हो गई, हम अच्छे इंसान हो गए हैं एक्चुअली यहाँ के कानून की वजह से। तो इसी तरह हमारे बच्चों में भी ना वो शार्पनेस, वो चलाकियां नहीं है जो वहाँ के बच्चों में है। हाँ जी, वैसे तो बच्चे इनोसेंट है वहाँ पे भी, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि बच्चे खराब नहीं होते, बड़ों को देख के कॉपी करते हैं हमेशा जी। तो अभी जो कॉलर ने बातें की उसके क्या आप एग्री करती है डिसएग्री करती है? मैंने सुना नहीं था। अच्छा, आपने सुना ही नहीं ना, तो इसलिए आपको पार्टिसिपेट आपने सही तरीके से आप कर नहीं पा रही है, वो बस सिर्फ टॉपिक पे बात कर रही है आप, वरना अभी जो बहस चल रही थी, अभी विंसर भाई भी बात कर रहे थे तो अभी दोबारा आएंगे, गुल साहिबा की भी बहस चल रही थी, तो हमने कहा था कि चलें कॉलर की बात सुने और आए। मेरे अपनी राय ये है कि यहाँ का बच्चा बहुत इनोसेंट होता है, बहुत अच्छी एजुकेशन हासिल करता है, पर वहाँ यहाँ पे जो बच्चों को आप अपने बच्चों को अपनी कंट्री में जब लेके जाते हैं तो आप क्या फर्क फील करते हैं वहाँ के बच्चों में और अपने बच्चों में? वहाँ के बच्चे बहुत तेज हैं माशाल्लाह, वो ना दूसरी तरह की चालाकियां, शातिर हैं वहाँ के बच्चे, यहाँ के बच्चे बहुत सीधे हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपके बच्चे बिल्कुल चेंज माहौल लगता है बच्चों को, बच्चे एडजस्ट नहीं होना चाहते, एडजस्ट हो ही नहीं पाते हैं? तो जाते हैं फैमिली में, तो हो जाते हैं, कजन होते हैं जी और रिश्तेदार होते हैं, क्योंकि यहाँ के बच्चे अकेले अकेले रहते हैं ना, उनको कंपनी चाहिए होती है, वो वहाँ जाके बहुत अच्छा फील करते हैं। तो आपको लगता है कि यहाँ के बच्चों को अगर हम वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए लेके जाए अपनी फैमिली, अपने बच्चों को वहाँ का अपना माहौल, अपना कल्चर दिखाएं, तो क्या अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा? होना चाहिए, अच्छा है समीना, होना चाहिए, हमें अपना कल्चर, हमारे कल्चर में सारी नेगेटिव चीजें नहीं। हम आज इस टॉपिक पे बात इसीलिए कर रहे हैं, लोगों को ये अवेयरनेस इसीलिए दे रहे हैं इस चैनल पे बैठ के और प्रोग्राम के जरिए, कि वो अपने बच्चों को यहाँ पे बिल्कुल कंटिन्यू नहीं रखें, हर साल अपने बच्चों को जरूर लेके जाएं अपने कंट्री के अंदर, अगर आपकी वेकेशन हो रही है, छुट्टियां हो रही है, तो जरूर अपने माहौल, अपने कल्चर से जरूर दिखाएं। आप ये जरूर कहते हैं, देखें अफोर्ड हर कोई, बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, अपने बच्चों को यहाँ पे 5-5, 6-6 साल हो जाते हैं लेकर ही नहीं जाते,
अगर उनकी छुट्टियां होती हैं घूमने के लिए कहीं और चले जाते हैं, प्लान कर लेते हैं कहीं और जाते हैं, मगर अपने मुल्क में नहीं लेकर जाते। जब बच्चे उनके हाथ से निकल जाते हैं, जब बच्चे उनका कहना नहीं सुनते, वो अपनी मर्जी करना शुरू कर देते हैं, तब उनको अफसोस होता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया। सिर्फ आज का टॉपिक लेकर सिर्फ यही लेकर आए हैं। मेरा भी ये ख्याल है कि बिल्कुल ठीक है, उनको लेके जाना चाहिए, उनको वहाँ पे जो रिलेटिव हैं अकॉर्डिंग टू उनकी नीड्स के, जैसे पुराने लोग हैं, जरूरी नहीं है कि उनके उनकी वजह से बच्चों को थोड़ी सी उर्दू बोलने सिखानी चाहिए, दादा दादी है, नाना नानी है। 100% अपनी लैंग्वेज सिखानी चाहिए बच्चों को, बहुत प्यारी लैंग्वेज है आप लोग की, अपनी पंजाबी लैंग्वेज है पंजाबी सिखाएं, उर्दू है उर्दू सिखाएं, हिंदी है हिंदी सिखाएं, जी कौमी जबान है अपनी, कौमी जबान को जरूर सिखाना चाहिए। इंग्लिश तो यहाँ के बच्चों को आई जाती है। मैं गई थी अपने भाई की शादी में, गई थी मैं, कई दफा गई हूँ बेटे को लेके, और इस दफा जो है मैं रुकी थी, जो लास्ट टाइम गई हूँ, तो मैंने कहा था नहीं मैं इसकी वजह से एक बकरीद यहाँ पे करूंगी। जी 14 अगस्त, तो मैंने 14 अगस्त भी हमने इतना खुल के सेलिब्रेट किया और बहुत उसने एंजॉय किया। हमने एक रिक्शा बुक कराया था, उसमें हम बड़ा सा परचम लेके हमने रात को उसको बुक करके और सारे वो जो शरह फैसल और सारे कराची घूमे वहां का। हमने हमने बताया कि देखो हम यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, और इसके अलावा बकरीद दिखाई थी कि हमारा जो कुर्बानी का सिस्टम होता है, सुन्नत इब्राहिमी हम कैसे करते हैं, तो वो सब कुछ दिखा और माशाल्लाह मेरे बच्चे को पसंद है और वो हमेशा जाने को तैयार रहता है। गुड, वेरी गुड, जबरदस्त। ख्याल है कि हमें अपने रूट से अलहदा नहीं होना चाहिए। आज हमारा मैसेज ही लोगों तक पहुँचाने का, यही हमारा एक मैसेज था लोगों तक पहुँचाने का, कि लोगों को अपने बच्चों को अपने कल्चर अपने मजहब से जरूर टच करना चाहिए, अपने कंट्री में जरूर लेकर जाना चाहिए, ताकि आपको फील होगा। समीना, मेरा ख्याल है, ये मेरी जाती राय है कि हम अगर ऐसा करेंगे, इस तरह की तरबियत करेंगे, तो हमारे बच्चे बड़े होके हमसे मोहब्बत करेंगे। अगर आप यहाँ के हिसाब से उनको ग्रो करेंगे आपको पता नहीं है, बहुत सारी फैमिलियां, आपको पता नहीं यहाँ पे बहुत सारी फैमिलियां ऐसी हैं जो बच्चों को ले जा नहीं सकती, मजबूरी होती है, उनके पास पैसे नहीं होते टिकट के, इसके उसके, वो अपनी प्रॉब्लम है शेयर कर रही होती है मेरे साथ बैठ के। देखिए हमारे साथ एक कॉलर है, उनको लेते हैं शबाना, फिर आपसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक बिल्कुल, और आपका मौजूद सुन रही हूँ मैं काफी देर से, तो बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा मौजू है, हमेशा लेकर आती हूँ अच्छे मौजू। इसमें मैं ये बोलना चाहूंगी कि वाकई पाकिस्तान जो यहाँ के बच्चों में डिफरेंस सबसे ज्यादा यही है कि हमारे यहाँ के बच्चे जैसे झूठ नहीं बोलते, ऑनेस्ट बहुत होते हैं, जो भी जी। है वो सामने होते हैं, चाहे वो गलत करें सही करें कुछ भी है उन चीजों में, मगर यहाँ के भी वो बच्चे बहुत तेज होते हैं जिनकी पूरी पूरी फैमिलीज यहाँ रह रही है, पूरे पूरे ननियाल ददियाल चाचा पालू मामू फला दिमाका जैसे एक खानदान जिनका पूरा यहाँ बस गया। हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी की है, ये बात अच्छी की आपने। यहाँ पे रहते हुए भी बहुत तेज है, क्योंकि फिर उन्हें फैमिली पॉलिटिक्स ये सारी चीजें समझ में बचपन से आनी शुरू हो जाती है। जी जी जी, जिनकी यहाँ पे फैमिलीज नहीं है ना, उनके बच्चे नहीं होते हैं, उनके बच्चे बहुत डिफरेंस होते हैं, क्योंकि मेरे अपने जानने वालों में है कई चीजें इस तरह जो मैंने देखी। जैसे बार दफा होता है वो जो भी उनके घर की सिचुएशन होती है, हर औरत डिफरेंट वे में हैंडल करती है, तो उसमें ये होता था कि बार दफा मेरी दोस्त है ना कोई चीज लाई है कुछ है, जैसे बड़े बूढ़े होते हैं बार दफा उन्हें लग रहा होता है कि बेवजह फालतू की शॉपिंग हो रही है, अब जाहिर है लेकिन घर में माँ को पता होता है क्या लेना जरूरी है क्या नहीं। तो अक्सर मेरी दोस्त कभी बच्चों से बोल देती थी फला चीज लेकर आए, दादी को नहीं बताना कि हम ये लेकर आए, नानी को नहीं बताना, चाची को नहीं बताना, फला को नहीं बताना। तो बच्चों के बचपन से वो माइंड बनना शुरू हो जाता है कि अच्छा फला बात जो है वो फला को नहीं बतानी है, फला बात नहीं बतानी है, उससे छुपानी है। लेकिन जिनकी फैमिलीज नहीं होती यहाँ पर ना, वो जाहिर है ऐसी पॉलिटिक्स बच्चों से ना हो पाती है, क्योंकि उनकी होती नहीं कि इससे ना छुपाना, इससे ना बताना, इससे ना करना। तो ये डिफरेंस यहाँ के बच्चों में भी आपको दो तरह के नजर आएंगे कि जिनकी पूरी फैमिलीज है यहाँ के बच्चे, वो बनिस्बत पाकिस्तान के तो खैर बहुत डिफरेंट है, लेकिन वो उन फैमिलीज के बच्चों से तेज होते हैं जिनकी यहाँ पे कोई फैमिलीज नहीं है। जी, एक तो ये डिफरेंस उनमें आ जाता है। पाकिस्तान के बच्चे जो होते हैं तेज समझदार सब जगह के बच्चे हैं, ये नहीं कि यहाँ के बच्चे बेवकूफ होते हैं, सब समझदार होते हैं, लेकिन उनको बचपन से उनकी नेचर में होता है कि जो भी बात है सच बोलनी है, झूठ वाय झूठ बोलना है, उनको ये चीज पता होती है, तो वो नहीं उन चीजों में जाते। और पाकिस्तान में
ये चीज बचपन से चल रही होती है, फैमिली में चल रही होती है, घरों में हर वक्त बच्चे वही चीज सुन रहे, देख रहे, कर रहे होते हैं, तो वो उनकी नेचर उसी तरह की होती चली जाती है जी। ये बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको तीन तरह के बच्चे नजर आएंगे, पाकिस्तान के डिफरेंट, कनाडा में वो डिफरेंट जिनकी पूरी फैमिली यहाँ पर है, और जिनका यहाँ पे कोई फैमिली नहीं है वो बच्चे डिफरेंट होते हैं। ये आपको बहुत डिफरेंस फील होगा जी। तो आप क्या कहेंगी बच्चों के लिए कि बच्चों को पाकिस्तान लेके जाना चाहिए, हमारा मैसेज लोगों तक क्या देना चाहती है? वो तो देखिए अपना कल्चर, अपना मुल्क, वो तो ऐसी चीजें हैं कि वो तो मस्त वहाँ पर आपको जाना चाहिए कि बच्चे लर्न करें हमारी बेस क्या है, हमारा कल्चर क्या है। डजंट मैटर यहाँ पे आप किसी भी तरह रह रहे हो, क्या कर रहे हो, मगर जब तक हमें हमारे बच्चों को हमारी वैल्यूज ना पता होंगी तो वो आगे कैसे अपनी औलादों में उस चीज को कन्वर्ट करेंगे। जब उन्हें वो वैल्यूज पता होंगी तो आगे फिर वो लेके चलेंगे ना अपनी औलादों में भी। चले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, देखते हैं क्या जवाब देने आई है वो भी आपके सवाल का। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपका शो चल रहा है, मैंने मैम भी कॉल कर दी। चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी की जी। बड़ा शानदार शो चल रहा है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो विपरीत नहीं है बहुत ज्यादा जी, लेकिन ये है कि बहरहाल इस ओके हम बैठे हुए, इस वक्त टाइम था तो मैं चलो आपके साथ। क्या 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 कहा आपने, मैं समझी नहीं क्या बोला आपने। विपरीत होता ना बहुत ही ज्यादा, वो समय इधर से उधर से कॉल पे कॉल आ रही है, टॉपिक ऐसा भी होता है ना भाई जिसके ऊपर। नहीं नहीं, आपने अभी बहुत सारी कॉलें आ चुकी हैं और बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, बेताचा लाइनें सारी फ्लश कर रही थी, मैंने कॉलें ली हैं बहुत सारी और सबने अपना ओपिनियन दिया है, मेरी बहुत दूर दूर से कॉलें आई हैं, आपने थोड़ा लेट खोला है। मेरा 8 बजे प्रोग्राम शुरू हो गया था, ऑलरेडी बस 15 मिनट रह गए प्रोग्राम खत्म होने में, 8 बजे से मैं कॉलों पर ही बातें कर रही हूँ, समझ लें आप, कंटिन्यू। आप देखिएगा रिपीट में ये प्रोग्राम चलेगा, तब देखिएगा आप, बहुत सारे कॉलर थे जिनसे बहुत सारी बहस तकरार हुई है और बहुत अच्छी बात हुई है हमारी, सबका अपना अपना ओपिनियन है, मैंने भी बहुत ज्यादा तकरार की इससे कि प्रोग्राम का नाम आपको पता ही है तकरार है, तो हम तो चाहते हैं कि तकरार हो इस प्रोग्राम के अंदर, सबको सबको अपना ओपिनियन देने का हक है, आप भी अपना ओपिनियन दीजिए, आपकी क्या राय है आप बताइए, हमारे टॉपिक पे क्या बात करना चाहते हैं। अभी भी एक कॉलर आ रही है लाइन पे है, हमारी होल कराया है जी। मैं अपना बिल्कुल ओपिनियन देता हूँ, क्यों नहीं, हम भी इस गुफ्तगू में शरीक होते हैं जी, 100% ऑफ कोर्स हुई है जी। हाँ, और मेरे अब असल में बात ये आती है कि बच्चे तो दुनिया पूरी में, पूरी कायनात में अल्लाह ने फितरतन बच्चों को एक जैसे बनाया है जी। आपको बताऊंगा आपको जी, सब एक जैसे ही होते हैं, बच्चों में कुछ फर्क नहीं होता। अच्छा, इनकी चॉइस में, इनकी मासूमियत में, चीजों में फर्क आता है, दुनिया में हर जगह माहौल का फर्क आता है, माहौल ग्रोन अप डिफरेंट होते हैं। अच्छा, डिसएडवांटेज फैमिली यहाँ पे भी है, पाकिस्तान में भी है। अच्छा, एडवांटेज फैमिली जो है ना वहाँ पे भी है, इधर भी है, मतलब जो रिचर लोग हैं उनके बच्चे डिफरेंट होते हैं जी। अच्छा, जो जो यहाँ पे भी आप देखें, जो बेचारे गरीब लोग हैं यहाँ के, जो उन्होंने मतलब कहने का कि जिनके घर के अंदर पूरा राशन भी नहीं आता, यकीन माने ऐसी बहुत सारे लोगों की मतलब मिसाल है यहाँ पे अवेलेबल। यहाँ की बात कर रहे हैं आप यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं कि राशन भी नहीं आता। मैं यहाँ की बता रहा हूँ, यहाँ की। अच्छा, यहाँ पे भी बड़ी खौफनाक किस्म की सिचुएशन है बच्चों के अंदर, और दुनिया में हर जगह पे, किसी भी जगह पे, किसी भी रीजन में आप ले लेंगे, वहां के माहौल के मुताबिक उतनी ही वो इंटेंसिटी हो जाती है, ठीक है ना जी। तो बच्चे यहाँ पे हैं, बल्कि आउटस्पोकन बच्चे हैं यहाँ के, अपने माँ बाप के साथ इस तरह से बात करते हैं कि कुछ कुछ ही ना, तो कॉन्फिडेंस डिपेंड करता है किस किस्म का है। वहां से भी लोग बच्चे इसी किस्म के भी हुए हैं और बहुत ही अच्छे और डिजिटल बच्चे भी हैं जी, और जो यहाँ पे आते हैं पढ़ते लिखते हैं और वहां से जनाब यहाँ भी पहुंचते हैं, बहुत अच्छा वो परफॉर्म करते हैं, मतलब ऐसा हमें फील नहीं होता इस किस्म का। रह जाता ओवरऑल पाकिस्तान का माहौल जो है या पाकिस्तान का अपना कल्चर है, वो किसी भी रीजन में हो सकता है, अदर देन कनाडा, कनाडा के साथ कंपेयर किया ही नहीं जा सकता जी जी। तो कनाडा के साथ मैं नहीं समझता कि हम इसको कंपेयर कर दें, और अच्छा कौन होता है बुरा कौन होता है।
तो अच्छा बुरा है ना, वो तो उसके हालात उसको बता देते हैं, जो वहां पे भी अच्छे लोग हैं, मैंने बताया ना जो एडवांटेजेस फैमिली है जिनके साथ रिसोर्सेज अच्छे हैं, सब वो बच्चे डिसेंट बच्चे हैं, बड़े अच्छे लोग हैं जी जी जी, जर्सी का वो देखते हैं तो वहां पे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़े वेल मैनर्ड। नहीं हम बच्चों को देखिए, हम बच्चों को बुरा नहीं कह रहे हैं, हम बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह ना, ना यहाँ के बच्चों को बुरा कह रहे हैं ना वहाँ के बच्चों को बुरा कह रहे हैं, हमारा सिर्फ आज नहीं, मैं ये हाँ। कहता हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है इस बात के टॉपिक के ऊपर, जो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो दुनिया के अंदर तमाम बच्चे एक जैसे होते हैं, मैं ये कहता हूँ जी, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा आप अपना ये मैसेज देना चाहे लोगों को, फलाने ऐसे हैं जी, जो किसी किसी को अच्छा या बुरा बनाने वाली वो सिचुएशन स्टोरीज होती है, यहाँ भी बच्चे जेलों में बंद हैं, यहाँ भी बच्चे छोटों से बड़े बच्चे हैं जो जेलों के अंदर बंद है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में छोटे बच्चे जो है ना जो टीन एजर्स होते हैं। तो आप बताइए क्या रीजन है, क्या रीजन है यहाँ पे बच्चे जेलों में बंद है, क्या रीजन है यहाँ पे पाकिस्तान में, आपने अभी आपने कहा पाकिस्तान में बच्चे जेलों में बंद नहीं है, आपने कहा यहाँ बच्चे जेलों में बंद है, तो क्या रीजन है? उसकी रीजन यही है कि उसकी मेन रीजन ये है कि प्रॉपरली उसको हैंडल नहीं किया जाता जी, उसको उन बच्चों को प्रॉपरली रेज नहीं किया जाता, बच्चों की नेचर से हट के बात हो रही। बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया, गलतियां एरर है बहुत सारे हमें जी, हम ओवर कॉन्फिडेंट है जी, अच्छा हमारे हम लोग जो है ना वो इस चीज को विजुअलाइज करते हैं कुछ इस तरह से कि जैसे हम लोग पता नहीं किस जगह पे बैठे हुए हैं और हम क्या चीज है, हम रेडीमेड टेक्नोलॉजी एक हमें मिल गई है, हम उसके ऊपर एंजॉय करने की ट्राई करते हैं, उसमें बच्चे इग्नोर हो रहे हैं जी जी, जी, जी। पेरेंट्स खुद भी आम बंदा भी बच्चों को छोड़े बड़े लोगों की हालत कुछ इतनी अच्छी मजे की नहीं है जी तो ये बहुत सही, आपने बहुत अच्छी बात की है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, ओके बाय जी। हेलो हेलो हाँ जी हेलो, देखिए अभी जो कॉलर आए थे उनकी बात आपने सुनी होगी, जरा बताइए आप भी उनकी कोई मिसाल दीजिए आप भी। जी मैंने उनकी बात सुनी लेकिन उनकी बात कुछ ऐसी है कि जिसमें कोई वजन नहीं, मुझे लग रहा कुछ समझ नहीं आ रहा कि सारी दुनिया के बच्चे एक जैसे, नहीं नहीं उन्होंने एक बात ये कही, उन्होंने कहा, उन्होंने एक फर्क बताया कि पाकिस्तान का बच्चा जेल में नहीं है, यहाँ के बच्चे बहुत सारे जेलों में, क्यों वजह उन्होंने बताया, रीजन भी बताया। एक और कॉलर है, एक सेकंड जाइएगा नहीं किश्वर, जाइएगा नहीं, एक सेकंड। हेलो जी कमीना, मैं बस सोचता हूँ टाइम होगा तो आपसे बात कोई बात नहीं, आप और नहीं 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 चले आप बात कर लें, आप जल्दी से अपनी बात करें, एक कॉलर है उनको भी बात करेंगे, आप भी करें, 10 मिनट ऐसे प्रोग्राम खत्म होने में अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा कॉलर जितने भी अपना मैसेज दे सके। अब मेरे ख्याल से मेरे जो मैंने आपको पॉइंट बताए थे वो काफी सॉलिड मेरे ख्याल से थे जो आप भूल गए, लेकिन वो डिफरेंस यही है कि आई थिंक, नहीं मैं आपके पॉइंट्स भूली नहीं, मैं आपके पॉइंट्स नहीं भूली, मैंने पॉइंट्स वो रेज भी किए यहाँ पे ऑन एयर किए पॉइंट्स, आपकी भी आवाज सब तक गई है और सब कॉलर सुन रहे हैं आपकी बात भी, पर जो जो आपने चेंज बताया वो भी सुना लोगों ने, कॉलर ने कह रहे थे कि बच्चे वाकई हर जगह के एक से होते हैं, आई थिंक फर्क सिर्फ इतना ये सारे सब लोग बिल्कुल से कह रहे हैं पाकिस्तान के बच्चे, यहाँ के बच्चों में बहुत कॉन्फिडेंस होता है, पाकिस्तान के बच्चे थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, यहाँ के बच्चे थोड़े रिस्पेक्टफुल होने की वजह से। पर अभी जो एक कॉलर ने बात करके गए, देखें एक सेकंड खालदा, ऐसा है कि यहाँ का जी खालदा अभी जो एक कॉलर, खालदा अभी जो एक कॉलर कह के गए कि है ना, जो बच्चे कॉलर कह के गए उनकी बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उन्होंने कहा यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जेलों में बंद हैं, तो क्या रीजन है, मैंने उनसे रीजन पूछा, तो मैं कल का टॉपिक इसी पे बात करूंगी, आप बताइए क्या रीजन है उसका, यही रीजन है मेरे ख्याल से उनकी, मेरी इस तरह का वो सही कह रहे हैं, अमेरिका में भी इस तरह का बहुत ज्यादा है कि मेरी अपनी फैमिली में इस तरह के लोग हैं जिनके बच्चे बे इंतहा आउट गोइंग है, बहुत ज्यादा पाकिस्तान के बच्चों की तरह वो ब्रॉडर है, उनके पेरेंट्स उनके बच्चों को पाकिस्तान बहुत ज्यादा बार बार लेके गए हैं, डिपेंड करता है कि आप कितना पाकिस्तान में अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं और कितने पेरेंट्स जो नहीं लेके जाते, तो आई थिंक आपके बच्चों में काफी फर्क महसूस हो जाता है, लेकिन बस फर्क मुझे ऐसा लगा कि जो बच्चे यहाँ खराब है और जो बच्चे वहाँ खराब है और जो ओवर कॉन्फिडेंट है और जो तेज है, उनमें सबसे बड़ी कमी सिर्फ ये है कि उनके माँ बाप अगर उनको शुरू से उनकी बेस और अपनी बेस सबसे पहले माँ बाप अगर दीन पे नहीं रखेंगे, इस्लाम पे नहीं रखेंगे, उनको सिर्फ दुनियावी चीजों का बताएंगे, सही गलत का फर्क नहीं बताएंगे, तो ये माशरा कहीं का भी हो, पूरे मिडिल ईस्ट का हो, इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, ये प्रॉब्लम हमें पूरी दुनिया में नजर आएगी, जो बच्चे यहाँ के खराब है उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर आप देखें तो यही है
कि उनके पेरेंट्स खुद बेनते हैं, आउट गोइंग भी बेनते हैं, मॉडर्न है, उनको दिन का नहीं पता, रात का नहीं पता, बेगम अपना कहीं मैनी क्योर पेडी क्योर पर निकली हुई है, जिम जा रही है, नहीं अपने कहीं एक्सरसाइज पे निकले हुए बच्चों को। तो आप ये कहना चाहती हैं कि पेरेंट्स को अपना ये डिपेंड करता है कि बच्चों का ब्रॉटअप पेरेंट्स से बहुत बेस करता है। मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने और मेरे हस्बैंड ने ब्रॉटअप किया, अल्लाह ताला सारे बच्चों को इस तरह रखे, वो बहुत शायद दीन की तथा इसमें मेरे बच्चे बहुत माशाल्लाह दोस्तों में भी जाते हैं, उनके गोरे बच्चे नहीं मुसलमान बच्चे नहीं है, लेकिन हमने उनकी एक लिमिटेशन बना दी है कि बेटा जैसे मेरी बेटी है उसकी हस्बैंड ने मेरी लिमिट बनाई हुई थी शुरू से कि बेटा आप कभी किसी के घर नाइट स्पेंड नहीं करोगी क्योंकि इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। आप अपने घर बच्चों को बुलाओ, बेशक अगर वो आते रहें आपके पास बच्चियां रहें, मगर आप किसी भी घर भी अगर मिक्स गैदरिंग हो रही है लड़के हैं उधर तो आपको अलाउ दीन नहीं करता। मेरी बेटी माशाल्लाह 22 साल की है, सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज में माशाल्लाह जा रही है, नर्सिंग डिप्लोमा नर्सिंग कोर्स कर रही है माशाल्लाह। वो उसको अभी जो एक कॉलर ने कहा, आपने अभी जो एक कॉलर ने कहा कि बच्चे जेल में जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप, उसके बारे में क्या कहेंगे? जेल में इसलिए बंद है कि देखिए उनका आई डोंट नो, मुझे तो बैकग्राउंड नहीं पता, हो सकता उनके माँ बाप बेचारे इतनी गुर्बत में पाकिस्तान से आके, मैंने देखा है कनाडा में आने मेरे दो तीन दफा मेरे कजन वहाँ आए थे पाकिस्तान से जस्ट फॉर फन, तो हम नाइग्रा फॉल गए थे 4th of July की लाइट देखने, मैं अपने बच्चों को लेकर देखे अपने हस्बैंड के साथ, तो हमने वहाँ इतनी गुर्बत देखी है केरल में कि मैं लिटरली डिप्रेशन का शिकार होकर मैं फूट फूट के रोना शुरू हो गई थी। वहाँ लोग कितने इंडियन पाकिस्तानी, हमने शायद ये टॉपिक पे बात की थी कि गुर्बत हमारी अपने मुल्कों में यहाँ पे गुर्बत है, गुर्बत जो है ना, जो गुर्बत है ना वो सबसे बड़ी एक मेन लाइन उसकी है। दूसरे जिनके माँ बाप यहाँ आके ये सोचते हैं कि हम शॉर्टकट लेंगे और वो गलत चीजों में उनको अवेयरनेस नहीं होती इन मुल्कों की, यहाँ रूल्स रेगुलेशन बहुत ज्यादा है, वो बहुत बुरे उसमें फंस सकते हैं, उनके बच्चे फिर बेचारे मेरे ख्याल से क्राइसिस में आ जाते हैं, गुर्बत इतनी होती है उनके बच्चे मुख्तलिफ गलत चीजों में शायद पड़ जाते हैं, इस वजह से वो शायद जेलों में, क्योंकि आई थिंक मतलब मुझे तो मैं सुन रही हूँ तो मुझे बहुत दुख है। चले कल ये वाले टॉपिक पे जरूर बात करेंगे कि बच्चे जेलों में किस तरह गए, मेरा बेस क्या रीजन है। आई थिंक बच्चों का ब्रॉटअप पेरेंट्स की बेस लाइन पर बहुत डिपेंड करता है, जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपका ददियाल है, वो आपका ननिहाल है, वो अक्स आपके बच्चे हैं। ये मेरी मन में ये चीज आती है, आई थिंक इसका सोल्यूशन मुझे यही नजर आता है कि जो आपका खून है ना, जो आपका ददियाल है, वही आपके बच्चों में अक्स जरूर नजर आएगा इंशाल्लाह, और अगर आप लोग बेहतर है तो आपके बच्चे भी बेहतर ही रहेंगे इंशाल्लाह। आप अपनी सिर्फ कोशिश कर सकते हैं और उनकी हिदायत की दुआ कर सकते हैं, बाकी कुछ अल्लाह ताला को छोड़ देना चाहिए, अल्लाह ताला बहुत मदद करता है। अगर आप अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छे लिए अच्छी चीज सोच रहे हैं और दूसरों के बच्चों के लिए भी अच्छा सोच रहे हैं तो आपके साथ अच्छा ही होगा। कॉन्फिडेंस की नजर बात है, पाकिस्तान में मोस्ट मतलब डेफिनेटली बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट है, यहाँ के बच्चे बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन रिस्पेक्टफुल बहुत है, हमें इस वजह से बहुत ज्यादा डिस्टेंस लगता है। अपने बच्चों को पाकिस्तान लेके जाते हैं, हमारे बच्चे थोड़ा सा बैक ऑफ हो जाते हैं, आउटस्पोकन नहीं है, बदतमीज नहीं है, पाकिस्तान में बच्चों को फ्रीडम बहुत दे रही है, मतलब उनको ये समझ रहे हैं कि बस हमारा बच्चा अगर इंग्लिश में बात कर रहा है तो वाह वाह वाह, हमारा बच्चा अगर अमेरिका में जाए तो उर्दू। एक और कॉलर है मेरे पास, एक और कॉलर है, वो आपका जवाब देंगे, एक मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा। हेलो हेलो जी, प्रोग्राम एंड को जा रहा था तो मैंने कहा मेरी कॉल ना रह जाए। एक तो आपके प्रोग्राम के चैनल से नहीं कहूंगी कि वो जो हर्षद साहब ने कहा, तो मैं यहाँ ये कहती जाऊंगी कि देखिए हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे हैं, शायद समझा नहीं पा रहे। थैंक यू मिसेस खान, थैंक यू विंसल भाई, थैंक यू अर्चना, कि हम लोग के थॉट जो है हमारी समझ में आ रहे हैं। मैं दोबारा अपनी इस बात को तो यहाँ कंप्लीट करूंगी कि कनाडा के बच्चे ज्यादा कॉन्फिडेंट है। दूसरी जो अब ये कॉलर ने बात की जेल के टॉपिक पे, मैंने उसको सर्च नहीं किया, मैं कल आप प्रोग्राम रखेंगे मैं डिटेल में भी बात करूंगी, लेकिन कल करेंगे कि क्या रीजन है, क्या वजह है कि क्यों बच्चे जेलों में पड़े हुए यहाँ के, नहीं शायद इसलिए भी बच्चे ज्यादा जेल में, मेरा ख्याल है, अभी मेरा ओपिनियन, अभी मुझे नॉलेज नहीं है कि शायद इसलिए भी, वो यकीन अभी आज बात भी नहीं कर रहा, टाइम नहीं है हमारे पास, कल ही बात करेंगे इस पे जी, लेकिन मेरा अपना एक अपना ओपिनियन ये देगी कि शायद इस वजह से यहाँ जेल में ज्यादा है कि यहाँ हर चीज लीगल में चलाई जाती है। पाकिस्तान में आपको पता है पतंग पर लड़ाई हुई, एक ने सर तोड़ा, उसने झंडा मारा, पुलिस को पैसे खिलाए, खत्म, कहा गया किस्सा, कहा गया गरीब को पकड़ा उसको छोड़ा, यहाँ ये चीज नहीं चल सकती, तो इसलिए वो पनिशमेंट का भी तरीका रखा हुआ है और यहाँ की जेलें, तो यानी कि आप ये कह रही हैं कि सिर्फ छोटी छोटी पनिशमेंट पे ही बच्चा जेल में गया हुआ, यहाँ पर ये कहना चाह रही हैं आप? शबीना मैं आपको बताऊँ, यहाँ मेरे नेबरहुड में बच्चा है, वो 14 ईयर का था, 16 ईयर का हुआ था, तो उससे कुछ ऐसी मिस्टेक हो गई थी, इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं थी, लेकिन आपको पता है अभी उसको 4 साल के लिए उसके मतलब उसको चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, पुलिस स्टेशन के लिए भी क्लेरिफिकेशन भी देनी पड़ रही है, और उसके पेरेंट्स भी कह रहे हैं कि लकी है कि 18 साल का नहीं हुआ था, वरना यहाँ यहाँ के रूल, यहाँ के जो कानून है, जो इंसान रहते हैं ना वो उसूल बना के ही रहते हैं, जानवरों के उसूल नहीं होते, इंसानों के उसूल होते हैं, और फिर वो अच्छे इंसान
इंसान होते हैं जो उसको फॉलो करें, बना देने से उसूल का जिंदगी नहीं चलती, उनको फॉलो करने से चलती है। लेकिन यह आपकी डिटेल पे बहस कल होगी, मैं एक बार फिर चर्चा करूंगी जिनकी समझ में हमारा फायदा है कि कॉन्फिडेंस इज अ डिफरेंट थिंग, एडजस्टमेंट इज अ डिफरेंट थिंग। चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हेलो हेलो जी किश्वर जी, इतना लंबा ना होल्ड करवाए करें कि एक के बाद दूसरी बार तीसरी, तीसरे के बाद फिर खत्म। अब टाइम चार मिनट का रह गया, जल्दी से अपना मैसेज भी दें, बताएं कि जैसे आपने सुना। मैं चार मिनट में एक बात और अभी कहना चाहूंगी कि आज थोड़ा सा बात करनी चाहिए थी कश्मीर के लिए भी, क्योंकि आज ब्लैक डे मनाया जा रहा है कश्मीर में जो हो रहा है। अगर मल्टी कल्चर चैनल है, मैंने अभी फेसबुक पे भी डाला है, तो वो किसी ने मुझे बोला कि दिस इज नॉट अ रिलीजन चैनल, आई नो दिस इज नॉट अ रिलीजन चैनल, पर मल्टी कल्चर है तो कश्मीर भी मल्टी कल्चर में ही आती है, दुनिया में है वो भी जी। तो उसके मौजू पे भी आज बात करनी चाहिए थी, ब्लैक डे आपको दिखाना चाहिए था थोड़ा सा, तो आई लिटिल डिसअपॉइंटेड टुडे। बैकग्राउंड में आप दिखा रहे हो, हमें इंडिया के पीपल से कोई मसला नहीं है, मेरे खुद बहुत अच्छे दोस्त, आज इंडियन लोगों ने ही सपोर्ट की। आपने पता है 9:30 बजे आपने देखा था कि वहीं गुरुद्वारे में ही हुआ है, बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है, बहुत अच्छे दोस्त हैं जी, इंडियन लोगों ने ही सपोर्ट की थी, बल्कि मुझे जाना था। इंडियन को भी मैं ये जरूर बोलूंगी कि ह्यूमन, एक इंसानियत के नाते कश्मीर के लिए उन्हें खड़ा होना चाहिए, उन्हें आवाज उठानी चाहिए कि हाँ दुनिया में किसी के साथ बुरा हो रहा है और गलत हो रहा है। मैं किसी रिलीजन, हर रिलीजन की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, चाहे वो किसी भी रिलीजन, बिल्कुल सही कह रही है। मगर एक कॉलर है, उनका भी देख रहे हैं, वो शायद आपका जवाब दे रहे हैं, जो है ये आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी फेसबुक पे लिख के डाला था तो उन्होंने फौरन लिखा कि ये चैनल जो है वो रिलीजन नहीं है, फला नहीं है, तो रिलीजन नहीं मैं बोल रही हूँ, एज अ ह्यूमन बीइंग कश्मीर के लिए आवाज उठानी चाहिए। आई नो के सेलिब्रेशन डे है इंडिया का, लेकिन उसके साथ इंडिया ही की वजह से वहाँ सारे मसले हो रहे हैं, तो उसको भी पूरा सपोर्ट करना चाहिए। इसमें आज अपने चैनल में दिखाना चाहिए था कश्मीर के बारे में, क्योंकि पूरी दुनिया में ये चीज हो रही है। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड टुडे द बैकग्राउंड। एक सेकंड होल्ड करें, हेलो हेलो वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो इंडिया के जो तमाम लोग हैं उनको आज का जो दिन है वो बोलना चाहता हूँ जी, और मैं एक छोटा सा मैसेज इस तरीके से देना चाहता हूँ जी जी जी, कि पाकिस्तान जो था वो 14 अगस्त को आजाद हुआ, इंडिया जो था वो 15 अगस्त को आजाद हुआ, तो इस नाते से पाकिस्तान जो है वो एक दिन बड़ा जी, तो पाकिस्तान बड़ा भाई हो गया, तो छोटे भाई को चाहिए कि बड़े भाई की भी थोड़ी सी इज्जत करे, और बड़े भाई को भी चाहिए कि छोटे भाई को बहुत प्यार करे, और दोनों मिलजुल के प्यार और मोहब्बत करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इनका आखिर में सुन ले मैसेज जी। हेलो हेलो जी, तो ये चीज मैं आज थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुई हूँ। आई लव टू आपका जो प्रोग्राम है, उसके जितने भी मौजू आते हैं हर तरह, लेकिन तुझे आपको सपोर्ट करना चाहिए था कश्मीर को, जो आपने आज बिल्कुल, मैंने देखा शायद अब थोड़ी देर बाद बैकग्राउंड में कुछ चेंजिंग आए या कुछ हो, या कश्मीर से उस पर बात हो, तो हमने इसलिए पॉलिटिक्स में हम बात, हमने कल्चर है बकौल आप लोगों के जी, मल्टी कल्चर, तो मल्टी कल्चर में ये चीज मत, मल्टी कल्चर चैनल है, और ये तकरार जो है ना, हम पॉलिटिक्स पे बात नहीं करते, हमारा परसों प्रोग्राम हुआ था, पॉलिटिक्स पे बात नहीं, सारी चीजों पे बात हो रही होती है समीना, आपको जो दुनिया में हो रहा है हमें उस पर बात करनी है। 100% आपने सही कहा, ये देखें आप, ये आपकी आपकी बात है, मगर मैं इसलिए नहीं करती पॉलिटिक्स पे बात के, उस पे बहुत ज्यादा चीजें हो जाती है, डिफरेंट हो जाता है। एक मिनट होल्ड करें, एक सेकंड बहुत सारे कॉलर हैं, अभी आप होल्ड पे रहें। हेलो हेलो जी, वालेकुम सलाम जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे जी? ये बहन जो बात कर रही है ना कश्मीर पे जी, बहुत अच्छी बात कर रही है, यकीनन बहुत अच्छी बात कर रही है, मैं भी एग्री करती हूँ उस बात से, गलत बात नहीं कर रही है कि जो इश्यू चल रहा है ना, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं इंडियन और पाकिस्तानी इकट्ठे बैठे हैं ना जी, दोनों बैठे हैं ना जी, लेकिन जहाँ देखे अगर मैं मुझे किसी ने किसी गुलाम बनाया हुआ है, अगर मैं आजाद हो गया हूँ तो इंडिया भी गुलाम था पहले, गोरों के था, अगर आजाद हुए हैं खुद भी, पाकिस्तान भी आजाद हुआ है तो कितनी खुशी मना रहे हैं जी, अगर आजाद आदमी हो के दूसरे को कैद कर ले तो ये भी अच्छा नहीं है। मेरी बहन ने बड़ी अच्छी बात की, आप तो कश्मीर के बल्कि सिख बरादरी तो बहुत हमायत की है कश्मीर वालों की,
कश्मीर के साथ नजायज हो रहा है और इंडिया वाले सिख जो है वो कर रहे हैं, और हिंदुओं को करना चाहिए कि जो इंसान के नाते अगर हमें मैं पिंजरे में हूँ तो मैं आजाद हो जाऊं तो दूसरे को मैं कैद कर लूं, तो मुझे एहसास ये होना चाहिए कि साथ मैं भी पिंजरे में था, आज मैं आजाद हो गया तो मैं दूसरे को कैद ना करूं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। हेलो हेलो जी जी। तो देखिए मैं कह रही हूँ आपको, मेरे 25 साल पुराने बहुत अच्छे इंडियन दोस्त हैं और बहुत ही मेरा उनसे फैमिली फ्रेंड्स जैसे बिल्कुल फैमिली की तरह मिलना है, लेकिन मुझे एक सवाल एक जवाब आपको देखे देने आया कोई कॉलर, देखते हैं क्या करें। हेलो जी। हेलो जी, अभी आप ऑन एयर हैं? जी आप, मैं ऑन एयर हूँ, जल्दी बताएं आप। एक कॉलर आपको वो कश्मीर पे बात करना चाह रही है वो। मैं कश्मीर पे मैं यही कहना चाह रहा हूँ जी, हमारी भी है चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है जी, उनकी संस्कृति पूरी कश्मीर के साथ है। मेरा तो सिर्फ एक ही सवाल ये था कि मुझे ये नहीं पता कि जब आज कश्मीर में प्रॉब्लम आई तो सब खड़े हो गए, जिस टाइम में कश्मीरियों ने हिंदू पंडित कश्मीरियों को कश्मीर से निकाल दिया था उसने तो तब किसी ने कोई मतलब उंगली नहीं उठाई जब इनको वापस लिया जाए, और वो बेचारे भटक रहे हैं आज हिंदुस्तान के अंदर, यानी कि आई मीन इंडिया में भटक रहे हैं, वो कश्मीर वापस जा नहीं सकते अपने घरों में जी, ये कितनी गलत बात। हसन साहब बेसिकली ये क्या है कि देखिए ये सोशल शो है, इसमें हम लोग सिर्फ सोशल बातों के बारे में बात करते हैं, हमारे पास सियासी शो भी है जिसमें ये सारी बातें पॉलिटिक्स की बात होती है, की बात होती है, और हम लोग ये चीजें नहीं लाना चाहते जी। बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, हाँ जी, मेरा जी, बिल्कुल कहने का मतलब ये है, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, मगर हिंदुस्तान के अंदर 33 करोड़ मुसलमान वहाँ रहता है, हाँ जी, अगर फर्ज चलने के हिंदुस्तान से 33 करोड़ मुसलमानों को निकाल दिया जाए, हिंदू निकाल दें तो क्या होगा, जबकि कश्मीरियों ने हिंदू पंडितों को वहां से जो मतलब हिंदू कश्मीरी पंडित थे जो पुराने रहने वाले थे उनको उन्होंने निकाल दिया था 1984-85-87 में, और आज तक उन्होंने वापिस नहीं लिया, और इसीलिए जो बात सच होती है ना वो उसको हम लोग एक्नॉलेज करते हैं, जब हमारे अपने पर आती तो हमें परेशानी होती है, बहुत गलत बात। बिल्कुल सही कहा, चले उन कॉलर से ही बात कर लेते हैं जो बात कर रही है, उनकी भी बात सुने हसन साहब आप जी। ठीक है जी, थैंक यू। हेलो जी। हेलो जी बोलिए। मैंने हसन साहब को कहा आप इन कॉलर की बात सुने जी, बोलिए जी। बस मैं यही बोल रही हूँ, देखिए अर्चना इतनी देर से खामोशी से मेरी बात सुनी, लेकिन वो एक साहब आके जैसे इंडिया के बारे में बोला तो फौजदार अर्चना ने जवाब देना शुरू कर दिया। वो ये नहीं बोला एक दफा कि यस एज अ ह्यूमन बीइंग यस हमें तकलीफ है जो किसी भी जी, मैं क्योंकि ये वो शो है ही नहीं, मैं बोलना ही नहीं चाहती किसी हिंदू के साथ हो, दलित के साथ हो, जिसके भी साथ जी, मैं पॉलिटिकल उसमें बोलना ही नहीं चाहती क्योंकि मेरे को बोलना ही नहीं है, मैं यहाँ शो बैठी हूँ कि नॉर्मल सोशल बातों करने के लिए जी, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बोलना ही नहीं चाहूंगी इस बारे में, आप अपनी चीजों पर नहीं, मैं ऐसी मैं क्योंकि मैं वो एक जनरल टॉपिक है, पर मैं इतने बड़े इशू के बारे में मुझे नहीं लगता मैं इतनी हकदार हूँ मैं बोलूं, करनी चाहिए थी जी, नहीं जी, हमारा सियासी गपशप आता है उसमें इसी चीज से बात होती है। समीना, ओके थैंक यू सो मच जी, देन टॉक टू हर प्लीज। आपको समीना इस मौजूद पे आपको रखना चाहिए था, इसका बैकग्राउंड में आपको रखना चाहिए था, यू हैव टू सपोर्ट कश्मीर, ना कि कश्मीर कोई भी, इंडिया में भी अगर किसी हिंदू के साथ गलत हो रहा है तो यू हैव टू स्टैंड, यू हैव टू टेल कि नो किसी इंसान के साथ क्यों गलत हो रहा है कोई भी हो दुनिया में। बिल्कुल आपने सही कहा, किसी जब बर्मा में हो रहा था तो पूरी दुनिया में बर्मा पे बात हो रही थी कि भाई बर्मा के लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं पर भी हो हम हर जगह के लिए बात ये रिलीजन पे कल्चर पे किसी पे नहीं आ रही, बात सिर्फ ये है कि एज अ इंसान कोई भी गलत करे, अगर वो मुस्लिम गलत कर रहा है तो वो गलत है, अगर वो हिंदू गलत कर रहा है, अगर वो सिख गलत कर रहा है, वो क्रिश्चियन कोई भी करे। देखें हमने ऐसा हमने आज हमारे मेहमान थे, एक खास मेहमान थे जिनसे हमने कश्मीर पे प्रोग्राम करना था, पर वो किसी मजबूरी के तहत उनको आना था 9 बजे मैंने 8 से 9 बजे तक, अब आपने बोला है तो मैं ऑन एयर बोल रही हूँ, 8 से 9 बजे तक मैंने अपना तकरार करना था, तकरार से हट के मैंने उनके साथ एक प्रोग्राम करना था कश्मीर के लिए, वो आ रहे थे, सिख थे वो, उन्होंने बहुत सपोर्ट किए, उनको बहुत ज्यादा, वो अभी भी खड़े हुए, उन्होंने आज भी उनके गुरुद्वारे में ये प्रोग्राम हुआ हमारे
कश्मीर भाइयों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया यहाँ पे, तो उनको मैंने बुलाया था अपने घर अपने प्रोग्राम में, वो मेहमान थे, तो मुझे 9 से 10 बजे तक वही प्रोग्राम करना था, पर उनका मैसेज आया कि वो नहीं आ सके। मैं तकरार में देखे, मैं मंदिर में तो वहाँ भी सुने 100%, वो तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैं बोल रही हूँ कि आई एवरी रिलीजन आई रिस्पेक्ट 100,000 टाइम्स, पर एज अ ह्यूमन बीइंग एवरी पर्सन हैज टू अटेंड एंड टेल दिस के नो दिस इज रॉन्ग। आप बिल्कुल राइट कह रही हैं, मैं इस बात को देखें, मैं आप बिल्कुल राइट कह रही हैं, मैं तकरार लेके बैठी थी, इसीलिए मैंने टॉपिक रखा और टॉपिक पे बात करना शुरू की। कॉलर आ गए, उनका अचानक मैसेज आया कि वो किसी वजह से कहीं फंस गए, रुक गए, तो वो नहीं पहुंच पा रहे, वरना उन्होंने 9 बजे पहुंचना था और 9 बजे हमने उनके साथ तकरार नहीं करना था देखे, तकरार नहीं करना था। हम कश्मीर के लोगों के साथ है, हमारी सपोर्ट है, हम किसी भी तरह से जिस तरह से किसी भी एक सेकंड होल्ड करें। हेलो जी, जी मैं दोबारा से आ गया, मैंने कहा ये तो खत्म करेंगे नहीं जी। मेरा कहने का मतलब ये था कि मेरे बहुत सारे हिंदू कश्मीरी पंडित देवी में दोस्त हैं और उन्होंने अपनी जमीनें वहां पर इंडिया में बेची और 1989 में उन्होंने वहाँ श्रीनगर, आपको पता है, अभी मैं अभी उन कॉलर को जवाब देता हूँ। जी जी, और कुछ कहना चाहेंगे हसन साहब? छोड़ करके आ गए जी। आज ये सोचे ना कि अगर हमारे हम अगर घर से निकाले जाते हैं तो हमारा कितना नुकसान होता है, तब खुद के ऊपर पड़े तब पता लगता है ना उस इंसान को। सवाल ऐसे इंसानियत के तौर पर बोल रहा हूँ, मैं हिंदू मुसलमान की बात भी कहता हूँ, हिंदू मुसलमान या कल्चर पे तो बात ही नहीं हो रही, मजहब पे तो बात ही नहीं हो रही है, मैं अभी वो भी यही बात करी है। चले हसन साहब, आपको कुछ बोलना है? प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ऑलमोस्ट 2 मिनट है, बताएं। कल बात करेंगे। ओके चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। हेलो जी, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि देखिए, मुझे सब कुछ पता था, कर्फ्यू लगा हुआ था वहाँ पे, आपको भी पता होगा कश्मीर के अंदर हटा दिया गया कर्फ्यू, हालात 12 दिन जी, अब हालात वहाँ के थोड़े बेहतर हो गए, कुछ लोगों ने, कुछ सियासतदानों ने, पॉलिटिक्स वालों ने कुछ हंगामे कराने की कोशिश की वहाँ पे, मगर अब लोग थोड़ा थोड़ा अपनी नॉर्मल जिंदगी में आ रहे हैं वहाँ पे कश्मीर के लोग। तो हमें इसी टॉपिक पे बहुत सारा सर्च किया था, रिसर्च की थी उसके बारे में, बहुत सारी चीजें मेरे पास मौजूद थी और उन साहब को मैंने बुलाया था जिनके साथ मुझे प्रोग्राम करना था, पर मुझे तकरार में शामिल नहीं करना था। तकरार में हमेशा कहती हूँ कि मेरा डिफरेंट प्रोग्राम है तकरार, उसमें मैं सियासत को नहीं लेकर आती, पॉलिटिक्स को नहीं लेकर आती, मगर हाँ 1 घंटे का मैं तकरार करने के बाद वो पॉलिटिक्स पे प्रोग्राम करती, जो मेरा प्रोग्राम था आज करने का कश्मीर के ऊपर ही, पर वो साहब नहीं पहुंचे, तो हमारा तकरार में कॉलर इतने सारे आ गए, दूर दूर से कॉल करने शुरू कर दी, वो भी नहीं आए, तो इसलिए हमारा प्रोग्राम इस तरह कंटिन्यू चलता रहा। मगर ऐसी बात नहीं कि हम कश्मीर की तरफ नहीं है, आपका बहुत शुक्रिया। एग्री कर रही हूँ इस बात को, मगर मैं फिर भी यही बोलूंगी कि ठीक है, उसके बावजूद आपको बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं सपोर्ट दिखानी चाहिए कि यस मैं स्टिल सपोर्ट कर रही हूँ। चले बहुत शुक्रिया, कल इंशाल्लाह, वो कल नहीं होगा, वो कल नहीं होगा, जो आज आप सपोर्ट करेंगी वो कल डिफरेंट डे होगा, परसों डिफरेंट डे होगा। और मैं आपको वीडियो भेजूंगी, आज एक इंडिया की बहुत बड़ी समझे एक कंपनी है जिन्होंने कश्मीर में जाके करा, वो सारे हिंदू हैं, सारे इतने अच्छे हैं, वो रो रहे हैं, यकीनन देखें, आप देखें ना जितना जुल्म कश्मीर में हो रहा है, तो वो तो एक इंसानियत के तहत हर एक को दुख होगा ना, हर एक को दुख होगा, हर एक की इज्जतें महफूज नहीं है, इज्जतें लूटी जा रही हैं, जो चीजें वहाँ पे हो रही हैं, तो यकीनन एक इंसानियत की हैसियत से सब उसको कंडम करेंगे। पॉलिटिक्स के लिए ये सारा कुछ ड्रामा खेलते हैं, मतलब इंडिया अच्छे लोगों से भरा पड़ा हुआ है, भरा पड़ा हुआ है, यकीनन उसमें ये हम इंडिया पाकिस्तान ही शामिल नहीं है, ये तो पॉलिटिक्स के लोग हैं और प्लानिंग के तहत ये सब कुछ चल रहा होता है, सियासत। अगर कभी कोई ऐसी वीडियो आती है, आपको यकीन नहीं आएगा कि मुझसे मैं मारा जाता है और अगर हम उसको देखते हैं तो यकीन करें अल्लाह गवाह, हम उसके लिए भी इतनी तकलीफ होती है कि ये भी किसी का बेटा होगा, ये भी किसी का भाई होगा, बाप होगा, बेवजह जो लोग मारे जाते हैं चाहे वो किसी भी रिलीजन पे हो, क्योंकि वो इंसान पहले हैं।
یقیناً 100% آپ نے صحیح کہا. چلیں پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ کل اسی ٹاپک پہ ہم بات کریں گے, کنٹینیو یہ بھی ٹاپک بھی رکھیں گے اپنے دوسرے ٹاپک کے ساتھ تو بات کریں گے. بہت شکریہ تمام کالر کا, شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے آج پروگرام میں شامل ہوئے, جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا. ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا ہے اور یہ چینل آپ ہی لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے. اسی طرح ہمارے پروگرام میں شامل رہیں, اسی طرح کال کریں ہمارے ساتھ جو ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں ہم نے ان کالر کی بھی بات نہیں کاٹی, انہوں نے اپنی پوری بات ہم سے کی, ہم نے پوری بات سنی. یقیناً چاہوں گی جی تھوڑا سا کہ دیکھیے یہ ٹاپک مطلب ایسا ہے کہ میں نا دیکھو کوئی اپنا اوپینین دینا چاہتا ہے کوئی نہیں دینا چاہتا, اس بارے میں میں یہ نہیں کہوں گی کہ مجھے دکھ نہیں ہوتا. یہ دیکھیے میں بھی انسان ہوں, میرے لیے بھی یہ سمینہ آج کے ٹائم پہ میری سسٹر جیسی ہیں, تبھی میں ان کے ساتھ شو بھی کر رہی ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کچھ بول نہیں رہی تو مطلب مجھے اکسایا جائے گا کہ میں بولوں بولوں. ہر انڈیویجول کا ایک اسٹینڈ ہے, وہ بولنا چاہے نہیں چاہے وہ اس کی مرضی. دیکھیں بہت ساری چیزیں نہیں فورس نہیں کر, بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک پروگرام کا فارمیٹ لے کر آتے ہیں. ہم وہ ایک پروگرام کر رہے تھے اور میں نے آپ کو بتا دیا, مینشن کر دیا, مگر ٹھیک ہے وہ بھی تھوڑی جذباتی ایموشنل ہو رہی تھی. 100% ہونا چاہیے جو کشمیر میں ہو رہا ہے, پر آج کشمیر میں وہاں سے کرفیو ہٹا دیا جو لگا ہوا تھا. کچھ لوگوں نے بہت اپنی نارمل زندگی میں آ گئے واپس, لوگوں نے باہر جانا شروع کر دیا. کچھ ایسے دہشت گرد ہی کہوں گی میں جو ایسا فساد پھیلانے والے لوگ سیاست دان, تو انہوں نے مل کے چھوٹے چھوٹے ہنگامے کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم کل بھی بات کر سکتے ہیں اور ہم لوگ کشمیر جس طرح وہاں پہ رہنے والے ہمارے بہن بھائی ہیں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے, ہم ان لوگ کے ساتھ ہیں یقیناً. ایسی بات نہیں کہ ہم الگ ہیں یا ہمارا چینل الگ ہے. دیکھیں ہم نے ان کی پوری بات سنی, ان کا پورا ایموشنل ہو رہی تھی, وہ ان کو پورا اپنا میسج انہوں نے لوگوں تک پہنچایا. 100% وہ لاسٹ میں ہمارے پروگرام میں شامل ہوئی. شروع سے ہمارا پروگرام چل رہا تھا اور ہمارے 9 بجے ہمارا یہی پروگرام تھا, کشمیر کے اوپر ہی ہم نے کرنا تھا پروگرام اپنا پورا 1 گھنٹے کا, اور 1 گھنٹے کا ہم نے تکرار کرنا تھا, پر وہ صاحب نہیں پہنچے اور ہمارے پاس کالروں کی بھرمار تھی, تو جس کی وجہ سے ہم نے اپنا پروگرام اسٹاپ نہیں کیا اور اپنا ٹاپک چینج نہیں کیا, اسی میں بات کرتے رہے. لاسٹ میں وہ ہمارے ساتھ آئی, ہم نے پھر بھی ان کو 15 منٹ دیے اپنے پروگرام کے, ورنہ 10 بجے ہم اپنا پروگرام آلریڈی فنش کر دیتے تھے. چلیں بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ سب کا, تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. بس آخر میں یہی کہیں گے, خوش رہیں مسکراتے رہیں کیونکہ زندگی بہت خوبصورت ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اجازت چاہتے ہیں. دیکھتے رہیے آپ کا اپنا چینل آواز انٹرٹینمنٹ, دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام تکرار. اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.